हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, तो आज हम लोग अपना नया क्रैश कोर्स, फ्रेश क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है निश्चय। ठीक है, निश्चय क्यों रखा गया है? क्योंकि यार अब जो समय है वो दृढ़ निश्चय करने का है कि कुछ भी हो जाए, आने वाले दिन मैं अपने बेस्ट दिन बनाने वाला हूं, अपनी तैयारी के बेस्ट दिन करने वाला हूं। आप सबको एक बार चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है मेरी? एवरी वन कैन लिसन टू मी एंड कैन यू गाइज हियर मी? देख तो पा रहे हैं? मुझे लगता है मुझे थोड़ा छोटा होना चाहिए था, बट आज मैं थोड़ी बड़ी हूं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ओके, तो यार आज का दिन बड़ा स्पेशल है। जैसा कि मैं बता रही थी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने इसको परसों ही स्टार्ट कर लिया था। परसों हमने क्या किया था? एनिमल टिश्यूज डिस्कस किया था, वो भी मैं निश्चय की प्लेलिस्ट में ही डलवा दूंगी। ठीक है, अब वो दोबारा नहीं होगा क्योंकि हमने परसों ही उसको डिस्कस कर लिया था। तो एनिमल टिश्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। टेक्निकली दिस इज सेकेंड सेशन, बट वैसे देखा जाए तो इट्स अ फर्स्ट सेशन। यानी कि आने वाले 40 दिन में हम अपने सारे चैप्टर्स को पूरा करने वाले हैं, बहुत इफेक्टिवली। पूरा डिटेल होगा, डिटेल इन द सेंस कि स्पीड हम उस हिसाब से रखेंगे, लेकिन आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो नीट में आ सकती है वो मिस नहीं होगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका दोबारा रिवाइंड हो जाएगा। साथ ही में आपको पता है यार, ब्यूटी मैम के पास नोट्स में, मेरे पास नहीं, नोट्स में कम नहीं है। अमेज, ये तो अपनी डीपीपी है, ये अपने अमेजिंग नोट्स हैं। ये देखो, ये माइक्रो नोट्स हैं अपने, ये क्या है? माइक्रो नोट्स हैं। तो यार इन माइक्रो नोट्स से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 2 पेज नोट्स हैं, दैट्स इट। 2 पेज में पूरा चैप्टर इसमें खत्म हो चुका है। ये अपने डिटेल नोट्स हैं जो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, और एक अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो हम हाथ से बनाते हैं। तो तीनों का एमलगमेशन चलेगा। कुछ कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगी, कुछ कुछ चीजें इन माइक्रो नोट्स और डिटेल नोट्स से रहेंगी। और बेटा आपको सेशन के तुरंत बाद क्या मिल जाएगी? डीपीपी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एनिमल टिश्यू में दिया था, यू हैव सीन अराउंड 415 questions are there in that small chapter. उसमें cockroach और earthworm, frog सब कुछ डाला हुआ है, वो हम करेंगे बाद में, लेकिन वो डीपीपी पूरे चैप्टर की है तो एक साथ ही आपके पास चली गई है। ठीक है जी, अब एक बारी फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो कौन कौन रेडी है। ठीक है, कौन कौन रेडी है? यस ठीक है, क्या कह रहे हैं? टुडे इज द लास्ट एग्जाम, कल हो तो गया सीबीएसई का एग्जाम, कल हो गया है। अब कुछ बोर्ड्स, अब मैं नहीं जानती हूं इतने सारे बोर्ड्स को, एंड सबकी डेटशीट के अकॉर्डिंग तो हम चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबकी डेटशीट के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। सीबीएसई कल अपना खत्म हो गया, स्पेशली मैंने आप सबके लिए छुट्टी दी थी। ठीक है, छुट्टी दी थी। एक मिनट रुको, मैं क्या दिखाने वाली थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाली हूं। क्या दिखाने वाली हूं? हाँ, ये देख लो। ओके, आ रही है। सेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी प्लान कर रहे हो तो टाइमली करना है। एक मिनट यार, मुझे लग रहा है यूपीएस वाले भैया आ गए हैं। एक मिनट रुक जाओ, यूपीएस वाले भैया आ गए हैं। तुम्हें पता लाइट जाती है तो मैं वेंसडे बन जाती हूं। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, यस। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। आज आखिरी दिन है इसीलिए मैं बता रही हूं, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं कि मैम 2024 का बैच, 2025 का बैच, जो अभी से आपके जूनियर्स हैं उनके लिए, बेटा टुडे इज द लास्ट डे फॉर 20% ऑफ का आज आखिरी दिन है। तो बेटा अगर आप प्लान कर रहे हो मेरे से और मेरी टीम से, पूरी टीम से पढ़ने के लिए, एक प्रॉपर कोर्स में आने के लिए, तो कोड क्या लगा देना? सीप लाइव लगा देना। क्या कोड लगा देना? सीप लाइव लगा देना। लगा दोगे? हाँ, फटाफट से लगा देना। राइट बेटा, चलिए तो 20% ऑफ आज लास्ट है, बस यही बताना था। आ जाओ। बेटा फास्ट ट्रैक की जगह नहीं हो रहा है। ठीक है, यस, इट इज नॉट एट द प्लेस ऑफ फास्ट ट्रैक, यू कैन से। मतलब 12th क्लास का जो कोर्स था हमने उसको फास्ट ट्रैक नाम दिया, 11th के कोर्स को तुम ये नाम दे दो, मतलब ऐसा नहीं है। जैसा फास्ट ट्रैक में रहा है वैसे ही होगा, लेकिन फास्ट ट्रैक में हम एक चैप्टर को तीन तीन चार चार दिन पढ़ रहे थे, अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे, एक चैप्टर को एक दिन में खत्म करेंगे, बस यही डिफरेंस है। लेकिन तुम्हें सीप मैम का पता है, मैं चाहे एक चैप्टर को एक घंटे में कराऊं, दो दिन में कराऊं, 10 दिन में कराऊं, या महीना लेके कराऊं,
चीज आपकी एक भी मिस नहीं होती। आप कोई भी मेरा पुराना लेक्चर से नोट्स को मैच कर लीजिएगा, एक एक चीज आपको वही मिलेगी। कंटेंट में कमी नहीं है, टाइमिंग्स हमें पेपर के हिसाब से चेंज करना होता है। यही तो ब्यूटी है यार, यही तो आर्ट है ना बच्चों, यही तो आर्ट है। चलो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं कल रात को एक स्पेशल सेशन लेने वाली हूं। आप नीट का फॉर्म अभी मत भरिएगा अगर आप एंड स्टेज पे हैं। कल मैं स्पेशल सेशन लेने वाली हूं जिसमें जो भी आपके डाउट है, 11th की मार्कशीट नहीं है, फोटो गलत आ गई, थंब इंप्रेशन गलत हो गए, वो मैं कल आपका सेशन लूंगी स्पेशल क्लास पे, ऑल डाउट्स रिलेटेड टू नीट एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। आप एक दिन रुक जाइए फॉर्म भरने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल बी देयर टू गाइड यू, क्योंकि मुझे बहुत फोन आते हैं, मैं इतने फोन हैंडल नहीं कर पा रही हूं। यू नो मेरा फोन अब ना वो हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, फोन तोड़ने वाली हालत आ जाती है, इतने कॉल्स आ जाते हैं मुझे, ठीक है। तो इसके लिए ग्रुप सेशन कर लेंगे, एक गूगल मीट टाइप होता है स्पेशल क्लास में, वो कर लेंगे। और आज शाम को 5 बजे वाली क्लास में एनरोल कर लेना, आज भी अमेजिंग मॉक टेस्ट है, ठीक है, कोई मिस नहीं करेगा। यस गाइस, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो इससे पहले हमने एक चैप्टर किया है, ये चैप्टर बेटा यूनिट में आता है, कौन सी यूनिट में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में आता है। किस में आता है, ह्यूमन फिजियो वाली यूनिट में आता है। ह्यूमन फिजियो में पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे बच्चों ने अभी हाल ही में मेरे से किया था, नहीं किया तो मैं दोबारा करवा दूंगी, वो एक चैनल अलग था बट आप कर चुके हैं। ह्यूमन फिजियो में डाइजेशन में हमने क्या किया था कि हम लोग किस वजह से फूड को खा रहे हैं, फूड को खाने का पर्पस क्या है, एनर्जी, यार सारा दिन मैं काम कर पाऊं यही मेरा मोटिव था खाना खाने का, टेस्ट तो चलो मुझे मिल ही रहा है लेकिन हमने उस एनर्जी को लेना था, उस फूड को हमें क्या करना था, एब्जॉर्ब करना था। तो डाइजेशन में हमने क्या किया, डाइजेशन में यस शुरुआत से शुरू करते बेटा, कहां से, डाइजेशन। आपने खाना खाया, खा लोगे खाना, खाओ, चलो बेटा बताओ आज क्या खाया, आज क्या खाया, इस खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम ने लिया, किस सिस्टम ने लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने लिया, फिर इस खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम ने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, किस में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब यार सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कहां भेज दिया, आपको याद होगा यार डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरीके से अपना पूरा सिस्टम था, ये इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन के पास, विलाय के पास क्या थी, ब्लड वेसल थी, और क्या थी, लिम्फ वेसल थी, वहां तक ये सारा खाना पहुंच गया था, ठीक है, वहां से विलाय से हमने ब्लड को भेज दिया, यानी कि फूड की सारी सिंपलर फॉर्म अब किसके पास जा चुकी है, फूड की सारी सिंपलर फॉर्म अब जा चुकी है ब्लड के पास। ब्लड इसको कहां लेके जाएगा, ब्लड बेटा इस फूड को लेकर जाएगा इंडिविजुअल सेल में। फूड में क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरोल है, न्यूक्लिक एसिड्स का शॉर्टर फॉर्म है, उसका मोनोमर है, सब चीजें आपके सेल के पास पहुंच गई। क्या अभी एनर्जी बनी, क्या अभी एनर्जी बनी, नहीं बनी, यानी कि अब इस ग्लूकोज को अपन को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, तब जाकर खाना खाने का असली पर्पस सॉल्व होगा, है ना। यानी कि अब ये सेल के अंदर प्रोसेस चलेगा किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है बेटा, रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट इनटेक एंड आउटटेक कि हवा अंदर लेनी हवा बाहर छोड़नी, वो ब्रीदिंग है, लेकिन अल्टीमेटली आपने उस हवा से ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन से फूड को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तब जाकर एनर्जी जनरेट होगी, ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऑक्सीडेशन में क्या है, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिला दो क्या बनेगा, CO2 H2O ATP, वही तो एनर्जी है, वही तो एनर्जी है। उससे बेटा तुम भंगड़ा डालो, सालसा डालो, गुजराती डांस करो, उछलो कूदो दौड़ो, जो करना है करो, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज मस्ट। तो पता चल गई कहानी, पता चल गई कि क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। देखो बेस जानना जरूरी है, ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे हम अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये पर्पज है अपने, किसका किसका पर्पज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पर्पज है, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज बेटा इसमें क्या आती है, मैंने बताया रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर एक टर्म क्या आती है बेटा, फिर एक टर्म क्या आती है, ब्रीदिंग आती है। क्या टर्म आती है, ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग देखोगे, ब्रीदिंग इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, CO2 रिच एयर को बाहर फेंकना। इस ब्रीदिंग में तुम हवा जब अंदर लेते हो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, जब हवा बाहर छोड़ते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन से आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से आपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। वो इक्वेशन याद है बेटा, छोटी क्लासेस में करते थे, C6H12O6 प्लस O2 क्या बना देता था, CO2 प्लस वॉटर प्लस ATP। तो इसमें
एनर्जी क्या है? एनर्जी है बेटा जी एटीपी. क्या है एनर्जी? है एटीपी. ये दिख रही है क्या? नीचे रख देते हैं, ये लीजिए एवरीवन. यस, ठीक है जी. चलिए, और एक्सपिरेशन में आपने CO2 रिच एयर को बाहर फेंक दिया. ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन आपने बनाई और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है जी. यस, अब जरा देख लीजिए कि कौन कौन से ऑर्गन है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. मैं थोड़ा सा और इधर हो जाती हूँ. सॉरी. अब दिख रहा होगा. यस, नाउ इट मस्ट बी विजिबल. कैन यू सी नाउ? यस. ये बड़ा वाइड हो गया है, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, आज अपन लोग मैनेज कर लेते हैं. दिख रहा है? हाँ. नाउ. अब बताइए. यस, मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, मुझे ना अगले वाले में अपने आप को छोटा करना पड़ेगा. अपने आप को छोटा कर दूंगी अभी मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूं, अब मैं बीच में सेटिंग नहीं चेंज कर सकती हूं, तो मुझे बड़े वाले ग्रुप में देख लो. ये सारी पीडीएफ मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी. ओके, राइट. चलो, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं थोड़ा छोटा कर रही हूं अपने आप को. नो, बस. यस. ओके, यस. चलिए बेटा, तो बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा देखा जाए कि पहले जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट है, सीलेंट्रेट है, फ्लैट वॉर्म्स है, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से ही हवा का आदान प्रदान करते थे. अपनी स्किन से ही, अपनी आउटर सर्फेस से ही ऑक्सीजन रिच एयर अंदर गई, CO2 रिच एयर बाहर आई. फिर अपने आए अर्थवर्म और फ्रॉग पे. अर्थवर्म और फ्रॉग जो है ना, वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करते हैं. जब भी बेटा रेस्पिरेशन स्किन की मदद से होती है, किसकी? स्किन की मदद से होती है, उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है. फिर आए अपने इंसेक्ट. इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, इंसेक्ट जैसे कि मक्खी, मच्छर, ये सब ऑर्थ्रोपोडा. क्या है इंसेक्ट? इंसेक्ट जो रेस्पिरेशन करते हैं वो प्रॉपर ट्राकियल सिस्टम से करते हैं. देन आए अपने एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड, मॉलस्क है, फिशेज है, ये रेस्पिरेशन किसकी मदद से करती है? गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करती है. तो मैं तुम्हें यहां पर तीन चीजें लिखवाने वाली हूं. पहले बेटा, अगर रेस्पिरेशन हो रही है स्किन की मदद से, उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन हो रही है गिल्स की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकियल रेस्पिरेशन. ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन हो रही है लंग्स की मदद से, जैसे कि हम में होती है, उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो तुमको पता होना चाहिए यार, फ्रॉग अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट हर चीज से रेस्पायर कर लेता है. फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर स्किन ऑल्सो, ठीक है, स्किन की मदद से रेस्पायर कर सकते हैं. देन बेटा, जब ये टैडपोल स्टेज में होता है तो गिल्स की मदद से रेस्पायर करता है, और जब बेटा एडल्ट स्टेज में बाहर आता है तो लंग्स की मदद से रेस्पायर करता है, ठीक है जी. तो ये तीन तरीके से आपको मैंने बता दिया रेस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है. चलो, नेक्स्ट चीज आती है, लंग्स के बारे में बात हो गई, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. अब बेटा इस चैप्टर में डिटेल में हमने किसका रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना है? ह्यूमन का पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. शुड वी स्टार्ट बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे. क्या क्या पार्ट्स हैं? अपने नाक से शुरू करो बेटा. रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारे नाक से, नाक में जो दो छेद लेके घूम रहे हो, इन छेदों में से जो हवा जाती है, इन छेद को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. यस बेटा, क्या बोलते हैं इनको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल नेरीज भी बोल सकते हो. यहां से हवा अंदर गई, ठीक है, हवा अंदर गई. अब जो हवा अंदर गई, क्या उसका टेम्परेचर मेरी बॉडी के टेम्परेचर की तरह है? नहीं, उसमें बड़े सारे डस्ट पार्टिकल भी हैं जो मेरे लंग्स को नहीं चाहिए. तो यार, अगला जो हिस्सा है नेरीज के बाद, ये जो कैविटी आएगी, कैविटी वाले हिस्से में एक तो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, दूसरा बेटा हम इसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा, दैट बच्चों इज गोइंग टू बी नेजल कैविटी. कौन सा हिस्सा आएगा? नेजल कैविटी का. नेजल कैविटी में एसी चलता है. आप मानो बेटा, सच्ची में आपकी बॉडी में एसी चलता है, एयर कंडीशन, दिस इज एसी. बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है. एसी का क्या काम होता है? एसी का काम होता है, तुमने सेट कर दिया भैया 16 पे चलना है तो चलना है,
है ना, वैसे ही नेजल कैविटी का काम है, भैया हवा अंदर आई है, तुझे मैं अपने टेम्परेचर पर लेकर आऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ एयर, ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ एयर। और ये कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ नेजल कॉन्के। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस मैं बता रही हूं कि नेजल कॉन्के होते हैं आपके नेजल कैविटी में, जो कि एसी वाला काम करते हैं और बाहर से आने वाली हवा का टेम्परेचर बॉडी जैसा कर देते हैं। प्लस साथ में क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, ठीक है। और इस नेजल कैविटी में आपको पता है लोग वैक्स कराने भी चले जाते हैं, ये कैंची लेके बैठे होंगे, देखे बेटा देखे, बड़े बुजुर्ग जिनके बाल नाक के बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, वो अंदर छोटी सी कैंची लेके ऐसे 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 करके घुसाएंगे और छोटे छोटे बाल काटेंगे, है ना, देखे छोटे छोटे बाल काटेंगे। तो यार ये छोटी सी कैंची अंदर घुस रही है, वो क्या है, वो किसके लिए है, क्योंकि आपके नाक के अंदर क्या है, बहुत सारे बाल है, ठीक है, थोड़े बहुत बाल काटना सुंदरता के लिए तो चलो समझ आता है, बट बेटा ये जो हेयर है और म्यूकस ग्लैंड है, हेयर और म्यूकस ग्लैंड है, ये बेटा आपके नाक के अंदर जाने वाली हवा की फिल्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो कैंची लेके सारे बाल नहीं काट देने, नहीं तो अंदर गंदगी भर जाएगी, ठीक है, सारे बाल नहीं काट देने। और क्या हो रहा है नेजल कैविटी में, तीसरी चीज बताती हूं, और हो रही है बेटा ऑल्फैक्टरी, एक होती है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, क्या होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जिसके पास ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, जिसका बड़ा ही टफ सा नाम है, जैसे वो केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, वैसे इसका नाम है श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या नाम है इसका, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, SCH, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। क्या काम है इसका, इट हेल्प्स टू परसीव द स्मेल, स्मेल लेने के काम आते। तो तीन मेजर काम हो गए आपकी नेजल कैविटी में, क्या क्या काम हो गए, हवा को टेम्परेचर चेंज करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, ये बाल और म्यूकस ग्लैंड मिलके फिल्टर करेंगे, और बेटा स्मेल के लिए जो मेम्ब्रेन है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। चलो ठीक है, स्मेल आ गई, अंदर लेके जाओ हवा को, अंदर लेके जाओ, अंदर कहां पर लेके जाओगे, इंटरनल नेरीज में लेके जाओगे, सो द थर्ड पोर्शन इज गोइंग टू बी इंटरनल नेरीज, ठीक है, अंदर भी ओपनिंग्स है नाक की, इंटरनल नेरीज। देन बेटा आ जाएगा एक कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, एंड दैट कॉमन पैसेज इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स, मैंने तुम्हें डाइजेशन की क्लास में बताया था तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, कौन से तीन हिस्से बताए थे, क्या कोई बता सकता है फेरिंग्स के थ्री टाइप्स, यस बेटा यस, नाक के सामने वाला फेरिंग्स याद करो क्या था, नेजोफेरिंग्स, जहां सिर्फ हवा जाती है, मुंह के सामने वाला फेरिंग्स पीछे इमेजिन करो क्या था, ओरोफेरिंग्स, जहां हवा भी जाती है और एयर फूड भी जाता है, फिर नीचे इसके पास वाला फेरिंग्स क्या था, लारिंजियोफेरिंग्स, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, बट वो तीन तरीके के फेरिंग्स हैं, नेजो ओरो एंड लारिंजियो, नेजो ओरो एंड लारिंजियो, ठीक है जी। चलो अगला हिस्सा कौन से नंबर पे आ गया, फिफ्थ पे आ गए, फिफ्थ पार्ट, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है बेटा जी, वॉइस बॉक्स है, आवाज, ये जो मेरी आवाज खराब हुई है ना बेटा, इसी वजह से हुई है, ये जो लेरिंग्स है किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है कार्टिलेज से, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कार्टिलेज हैं, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है नाम ऑफ कार्टिलेज, बट आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको ये नाम कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इसीलिए मैं लिखा देती हूं कि टोटल बेटा इसमें 9 कार्टिलेज हैं, इस 9 कार्टिलेज में से 3 अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड है, दिखाई दे रहा है 3 अनपेयर्ड है, तो टोटल 3 ही हो गए, 3 क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड यानी कि टोटल 6 हो जाएंगे, समझे, ये इसका 3 काउंट होगा और इसका 6 काउंट हो जाएगा। जो अनपेयर्ड कार्टिलेज है, जो अनपेयर्ड कार्टिलेज है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस, यस, क्या नाम है बेटा, एपिग्लॉटिस, ढक्कन, किसका ढक्कन, ग्लॉटिस का ढक्कन, डाइजेशन में बताया था, ठीक है, एपिग्लॉटिस। इसके अलावा बेटा एक और कार्टिलेज आता है जिसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। अब आप बोलोगे मैम थायराइड तो एक ग्लैंड था, आपने इसको कार्टिलेज कैसे बना दिया, सोचो, थायराइड तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड था, और वो भी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था, जिसमें से थायरोक्सिन T3 T4 निकलते थे, आपने इसको एक कार्टिलेज बना दिया। बेटा वो जो ग्लैंड है वो अलग है,
ये जो कार्टिलेज है ये अलग है, ये जैसे ग्लैंड वहां पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था, ये नौ में से ये कार्टिलेज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, यस लार्जेस्ट कार्टिलेज है। और मैं आपको बताऊं आप ये कार्टिलेज को फील कर सकते हो। हाँ जी, लड़के यहां पर कौन है हाथ खड़ा करें, ऑल द बॉयज इन द चैट सेक्शन प्लीज क्लिक यस, रेज योर हैंड जो लड़के हैं, लड़कों की हेल्प से बताऊंगी, यस लड़कों की हेल्प से बताऊंगी, ऑल द बॉयज इन द क्लास, यस बच्चों बॉयज बॉयज बॉयज, ये क्या लड़कियां भी क्लिक कर दे रही है क्या, हैं लड़कियां भी क्लिक कर दे रही है, कुछ लेना देना नहीं है, यस बेटा लड़कियों ने क्लिक नहीं करना था, लड़कों ने हैंड रेज करना था, ये लड़कियां भी अपना ही 80% नहीं अब 70 हो गया, ठीक है, ऑल द बॉयज इन द क्लास रेज योर हैंड। अब सारे बॉयज क्या करेंगे, अपने यहां गर्दन पे हाथ लगाएंगे, लड़कियों का इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट ऑफ द बॉयज ऑफ योर एज जो प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं वो सारे लड़के यहां पर गले में जो उनका प्रोट्रूडिंग सा हिस्सा है उस पर हाथ लगाए, वो क्या है, वो है एडम्स एप्पल, है ना, जैसे एडम ने एप्पल खाया यहीं अटक गया, ये जो बाहर को निकला होता है पतले पतले लड़कों में बड़ा अच्छे से दिखता है, जो थोड़े मोटे हैं उनमें इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, दिख रहा है रेज हैंड वाले लड़के, हाँ तो यहां पर हाथ लगाओ, ये क्या है, तुम बोलोगे मैम ये एडम्स एप्पल है, ये एडम्स एप्पल और कुछ नहीं है, आपका थायराइड कार्टिलेज है, यस दिस इज हाउ यू कैन फील, गर्ल्स कैन ऑल्सो फील लिटिल बिट ऑफ प्रोट्रूजन ओवर हियर, बट बॉयज तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान दे सकते हैं, तो जो बॉयज टच कर रहे हैं ना इस समय एडम्स एप्पल, वो थायराइड कार्टिलेज है आपका, वो थायराइड कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। और बेटा यहां पर रिंग शेप कार्टिलेज आता है तीसरा अनपेयर जिसका नाम है क्रिकॉइड, ये एक रिंग की तरह होता है, ये PYQ है, पूछा जाता है रिंग वाला कार्टिलेज कौन सा है, क्रिकॉइड, तीन पेयर का नाम भी मैं लिख देती हूं, याद हो तो ठीक है नहीं हो तो कोई बात नहीं, एरेटेनॉइड, कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, ठीक है जी। तो ये बात हो गई आपके कार्टिलेज की। अब यार ये जो वॉइस बॉक्स है, ये जो वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, ये जो अपने वोकल लेरिंग्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, वोकल कॉर्ड्स। अब यार वोकल कॉर्ड्स मेल और फीमेल में अलग अलग सीन है, यस सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की और यहां पर बात करते हैं मेल की। अगर मैं बात करूं फीमेल, फीमेल के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना बेटा वो बड़े पतले होते हैं, क्या होते हैं, थिन होते हैं। और मेल में अगर देखे, मेल में एक हार्मोन खूब रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, होता है कि नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल में बड़ा ज्यादा है जिसकी वजह से इनका जो वोकल कॉर्ड है ये थिक होता है, प्रोमिनेंट होता है, एडम एप्पल बना लेता है, जिसकी वजह से लड़कों की जो आवाज है वो कैसी रहेगी, लो पिच्ड रहेगी, कैसी आवाज रहेगी, लो पिच रहेगी, और बेटा उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो भी लो रहेगी। लेकिन फीमेल की जो आवाज है वो बड़ी चीखनी वाली पतली सी आवाज, हाई पिच आवाज रहेगी, हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज रहेगी। तो यार आवाज में लड़का और लड़की में क्यों अंतर है, क्योंकि वोकल कॉर्ड में अंतर है। वोकल कॉर्ड में अंतर क्यों आया, मेरे पतले तुम्हारे मोटे क्यों हुए, तुम बोलोगे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का फर्क है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है इस वजह से उनकी आवाज भी भारी है और लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन कम है। अब आपको क्या केस याद है कोयर बॉयज का, कोयर बॉयज कौन थे जो चर्च में गाना गाते थे, तो कोयर बॉयज के लिए जो चर्च वाले थे वो चाहते थे कि यार इनकी आवाज ना पतली होनी चाहिए, ये मोटी आवाज में कोयर गाने में मजा नहीं आ रहा, अच्छे कैरल्स नहीं गा पा रहे हैं। तो क्या कर दिया जाता था उन लड़कों का कर दिया जाता था कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन कर देंगे, टेस्टिस गायब, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस गायब, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम, तो उनकी आवाज भी लड़कियों की तरह पतली हो जाएगी, ठीक है जी, यस। चलो जी अब लेरिंग से अगला हिस्सा कौन सा आता है, काफी बातें कर ली यार हमने इसके बारे में, इंटरेस्टिंग बातें कर ली, मजा आ गया बात करके। सिक्स पोर्शन, सिक्स पोर्शन इज गोइंग टू बी ट्राकिया। ट्राकिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ट्राकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है। आप इस विंड पाइप के ऊपर एक मोटा सा लेरिंग्स बना दूं मैं, रुकिए ये देखिए, लेट मी ड्रॉ इट, यहां डायग्राम बनाने वाली हूं, ये देखिए ये आपका कार्टिलेजनस लेरिंग्स दिख रहा है, ओके ये मेरे पास जस्ट अभी न्यूज आई, क्या तुम्हारे पास भी आई, न्यू COVID-19 वेरिएंट फाउंड इन इजराइल, जस्ट मेरे पास बेटा ऊपर से न्यूज पॉप इन करी, पॉप आउट बोलोगे, पॉप इन बोलोगे, कुछ भी बोलो, ठीक है,
कब तक ये कोविड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा यार, बताओ। ठीक है, कब तक इस कोविड का दर्द सहना पड़ेगा। अब एक और वेरिएंट, और गॉड वाली बात हो गई। चलो, ये क्या है अपना, ये क्या है, लेरिंग्स है, दिस इज द लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर का जो ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे ढक्कन टाइप बना हुआ है कार्टिलेज का, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस। लेरिंग्स के बाद ये जो डंडी निकल रही है, दिस इज ट्राकिया, दिस इज गोइंग टू बी ट्राकिया। ओके, इसको नाम दे देते हैं ट्राकिया। नाउ ट्राकिया इज एक्चुअली लाइंड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। ये देख रहे हो, ट्राकिया की जो लाइनिंग है ये कौन बना रहा है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स बना रही है। सो दीज आर सी शेप्ड, मैं भी दिखाती हूं आपको, कार्टिलेजनस रिंग्स। ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स इसकी कवरिंग बनाती है। मान लीजिए ये ट्राकिया है, ये सी है, सी दिख रहा है, ऐसे ही है, कैन यू सी द सी, यस। ये जो सी शेप है ये इस ट्राकिया पे ऐसे बैठा है, ऐसे पीछे की साइड से, मतलब खुला है। ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग किस लिए, कि कल को मान लो ट्राकिया में से जब सारी हवा निकल जाएगी तो कहीं ट्राकिया कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स ना करने की वजह से इसको सपोर्ट मिलता है, सी शेप। अब तुम बोलो मैम इसको ओ बना देते, सी क्यों बना दिया, ओ बना देते, बंद कर देते, इसको बंद कर देते। बंद नहीं कर सकते थे बेटा, पीछे से खोलना जरूरी है। कि मान लो जब आप इनहेल कर रहे हो तो ये फूलेगी तो इसके पास स्पेस होना चाहिए। बेटा मैं बता रही हूं आपको, आज की क्लास ना बड़ी प्राणायाम वाली क्लास है। ठीक है, आज मैं तुमसे खूब प्राणायाम कराऊंगी। सब बच्चे सारी गहरी सांस अंदर लें, फिर गहरी सांस छोड़ें। ठीक है, तो आज प्राणायाम वाली क्लास है। उस प्राणायाम वाली क्लास में से तुम इमेजिन करो, जब बहुत ज्यादा हवा आ जाएगी तो इसको स्पेस चाहिए फूलने का, और जब हवा निकलेगी एक्सपिरेशन होगा तो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए हमने सी शेप्ड के कार्टिलेज के रिंग बना के रखे हैं जो पूरी ट्राकिया को लाइन करते हैं। अब यह ट्राकिया आगे जाकर बाइफरकेट हो जाती है दो हिस्सों में। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस बाइफरकेशन को बेटा जी, बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो बाइफरकेशन है ये कब होता है, कहां होता है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम में देखोगे तो ये बाइफरकेशन होता है एट द फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा। कहां पर, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा। तो यार इसको मैं लिख दूंगी, दिस बाइफरकेशन विल हैपन एट T5। ठीक है, बाइफरकेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बाइफरकेशन किस लेवल पे होती है, T5। तुम्हें पता ना, 7 सर्वाइकल, 12 थोरासिक, 5 लंबार, 5 कोकेक्स, 4 सेक्रल, वो लास्ट वाले दो फ्यूज होकर टेल बोन बनाते हैं। फिफ्थ थोरासिक पे बाइफरकेशन होगी। फिर बेटा इसके अंदर जरा जाओ, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जाओ। ठीक है, ये प्राइमरी आगे जाके और अपना नेटवर्क बनाएगा, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, ये पूरा बेटा जंजाल बिछ जाएगा। अभी मैं जंजाल ना लिख दूंगी यहां पर, और आखिरी में इस जंजाल में कौन आ जाएंगे, ये बलून शेप स्ट्रक्चर। इन बलून शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है जी, ये जंजाल मैं भी यहां पर लिख देती हूं। अब जरा लंग को यहां पर ध्यान दो। ये जो पूरा सिस्टम है ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें दो लंग्स प्रेजेंट है। ये आपकी लेफ्ट लंग है और इधर वाली आपकी राइट लंग है। लंग इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसने फूलना है फिर छोटे होना है, फूलना है छोटे होना है। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना प्रोटेक्शन के? नहीं छोड़ सकते। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो बेटा इसको, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हो। इससे अपन को इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यार ये जो बाहर वाला प्लूरा इधर बनाऊंगी मैं, ये देखो इधर बनाया मैंने, दिस प्लूरा इज कॉल्ड एज द पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है वो विसरल प्लूरा है, तो इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है पेराइटल प्लूरा, और इस अंदर वाली का नाम क्या है, घर वाली बाहर वाली है ना, विसरल। विसरल अंदर वाला होता है, विसरल प्लूरा। अब यार ये दो प्लूरा के बीच में स्पेस, कैन यू सी द स्पेस, यस। इस स्पेस को क्या बोलोगे, कैविटी। स्पेस का नाम कैविटी होता है, प्लूरल कैविटी। अब क्या इस प्लूरल कैविटी को बच्चों खाली रख सकते हैं, खाली रख सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं, इस प्लूरल कैविटी को खाली नहीं रख सकते। इस प्लूरल कैविटी के अंदर ये जो स्पेस है यहां फिल्ड है, क्या फिल्ड है, प्लूरल फ्लूइड। क्या फिल्ड है बच्चों, प्लूरल फ्लूइड। क्या काम होगा,
क्या काम होगा इस प्लूरल फ्लूइड का? इस प्लूरल फ्लूइड का काम है कि यार जब लंग फूलेगा, अगर लंग फूला तो ये जो पेराइटल है, ये विसरल है, पेराइटल को टच करेगी। अगर बीच में फ्लूइड ना रखा तो यार आपस में रगड़ खाएंगी, लड़ाई हो जाएगी। ड्राई जब एरिया होता है, रगड़ खाते हैं ना, आप इमेजिन करो आपकी स्किन बहुत ड्राई है, ठंड चल रही है, आप उस पे ऐसे नेल मारोगे ढरीट सी डल जाएगी, है ना, है ना, आपने देखा होगा। वैसे ही ड्राई एरिया में जब दो चीजें ऐसे बारी बारी रगड़ खाएंगी तो वियर एंड टीयर होगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम बीच में फ्लूइड लगा देते हैं कि भैया तुम्हें लगना है लगो, आपस में फूलते रहो, अलग होते रहो, फूलते रहो, अलग होते रहो, कोई वियर एंड टीयर नहीं होगा। तो प्लूरल फ्लूइड इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम कहां पर प्रेजेंट है, कहां किस कैविटी में प्रेजेंट है? थ्रासिक कैविटी और द एब्डोमिनल कैविटी। तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए अपनी क्लास में से, कोई एक बंदा अपना नाम बता दो कि मैम मेरा स्केलेटन आप यहां बना दो। बताना कौन है जो अपने ऊपर मजाक ले सकता है। देखो जो अपने ऊपर मजाक ले पाए वही करना, वही हैंड रेज करो। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है तो उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वो है। उसको इमेजिन करना पड़ेगा कौन है ये। है मैं एक बच्चा चूज कर रही हूं यहां से। मेरी ड्राइंग बेटा इतनी भी अच्छी नहीं है तो उसको मानना पड़ेगा कि ये मैं हूं। तो मैं बच्चा चूज कर लेती हूं। ओके ओके कुंदन कुमार कर लेती हूं मैं। कुंदन कुमार जी का स्केलेटन हम यहां पर बनाने वाले हैं अभी। कुंदन कुमार आपको सिलेक्ट किया गया है और आपकी बॉडी बन रही है, ठीक है। ये आपकी खोपड़ी, ये आपकी गर्दन, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं। ये आपकी खोपड़ी, ये आपकी गर्दन, ये आपके कंधे, ठीक है। कुंदन कुमार सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके थोड़ा सा बेटा डिसफॉर्म्ड बनेगा तो ये जस्ट रिस्पेक्ट इट, ठीक है। और इधर आपके नीचे टांगे बना देते हैं, ठीक है। कुंदन कुमार बुरा तो नहीं मानोगे कि मेरे को ऐसा बना दिया, हाय हाय मैम। ये कुंदन कुमार का नाक, ठीक है। नाक से गया नेजल कैविटी, आगे नाक के अंदर ही पूरा यू नो पीछे से ट्राकिया निकल रहा है। ये बेटा इसके बाइफर्केशन हुई और ये बना दिए कुंदन के अपने ने लंग्स, ठीक है लंग्स। अब बेटा कुंदन कुमार को जरा ध्यान से देखेंगे। यस कुंदन कुमार को ध्यान से देखो कि कुंदन की बेस पूरे धड़ में दो हिस्से हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, हां जी देखना, हां ये हाफ हाफ मैंने डिवाइड कर दिया। ये जो कुंदन का ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, इतना मत हंसो, तुम्हारा भी ऐसा ही है। मैं किसी का भी नाम लेती, चाहे वो अन्नी होती, चाहे वो उज्जवल होते, चाहे वो संकल्प होती, स्नेहा होती, आसमा होती, शशांक होते, अश्विनी होते, सबका ऐसा ही बनना था। इतना मत हंसिए, सबके अंदर यही मामला है, ठीक है। अंदर तुम्हें फनी लगता है बट मामला यही है, ठीक है। तो कुंदन कुमार को जब हमने देखा तो जहां पर इसकी लंग्स प्रेजेंट है ये कैविटी कौन सी है? थोरैसिक कैविटी है। और जहां पर इसका ये नीचे पेट प्रेजेंट है इस कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब कुंदन ने पूछा, मैम आपने कैसे बता दिया कि यहां पर थोरैसिक खत्म हो रही है और इससे आगे एब्डोमिनल शुरू हो रही है? फिर मैंने कुंदन को बताया, कुंदन बेटा तुम्हारी थोरैसिक और एब्डोमिनल को डिवाइड करने के लिए बीच में एक मसल है, उस मसल का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल और ये डायफ्राम यहां पर इस तरीके से मौजूद होता है डोम शेप में। ये डायफ्राम सेपरेट करता है कुंदन की थोरैसिक और उसकी एब्डोमिनल कैविटी को, सबकी करता है, सिर्फ कुंदन की नहीं करता, ठीक है। हंसो मत कुंदन पे, ओके चलो। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा साइड पे करके डायफ्राम बनाने वाली हूं, डायफ्राम बनाने वाली हूं। ये देखो ये मैंने प्लूरल फ्लूइड लगा दिया यहां पर। ओहो रुकना जरा, यस चलिए प्लूरल फ्लूइड हो गया। अब यार नीचे मैं एक मसल बना दूंगी और ये मसल कौन सी है? ये मसल रहेगी अपनी डायफ्राम की मसल। किस मसल? एक्चुअल मसल का नाम क्या है? फ्रेनिक मसल, डायफ्राम। इट इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल। अब यार तुम देख रहे हो दो लंग्स के बीच में ये स्पेस खाली है, ये जगह खाली है,
खाली जगह है, नाम तो देना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ा खाली है, कोई भी कब्जा करके ले जाए उस जगह पे, है ना। इधर से हार्ट आए, हार्ट का है मेरी जगह है, लंग का है मेरी जगह है, ना ना, खाली जगह को नाम देना पड़ेगा, कब्जा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बेटा वीरान प्लॉट पड़ा होता है, लोग आते हैं कब्जा करने के लिए, ये तो मेरा है, मैंने तो बिल्डिंग बना ली। फिर आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बाउंड्री बनानी शुरू कर दी, बाहर लिख दिया इसको बिकाऊ मत समझें, ये बिकाऊ नहीं है, ये बिका हुआ है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सीप पाहुजा। बेटा मेरे नाम पे तो एक भी घर नहीं है, सच बताऊं तो मेरे को तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं भैया जाके बाउंड्री बनाऊं और फिर उस पे लिखूं ये बिकाऊ नहीं है। वैसे ही बॉडी में बेटा, कुंदन की बॉडी में कुछ बिकाऊ नहीं है, ये खाली जगह को नाम देना है। इस खाली जगह को नाम मैं दूंगी मीडियास्टिनम। क्या नाम दूंगी इस खाली जगह को? मीडियास्टिनम। अब इस खाली जगह में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो बेटा तुम्हें बड़ा मतलब समझ जाओ, जो ना कभी कभी किसी और के लिए भी धड़क जाता है ना। इस खाली जगह में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो हम चाहते हैं कि किसी और के लिए ना धड़के, बट सामने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, पता नहीं कौन कौन है, है ना। तो ये जो खाली जगह में एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है जो कई बारी किसी और के लिए धड़क जाता है, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। इसी वजह से तुम्हारा जो लेफ्ट लंग है वो ऐसे नॉच बना रहा है। इस नॉच को अपन लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक क्यों? क्योंकि हार्ट है ना यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका कार्डियक नॉच। तो दिल इज प्रोटेक्टेड इन दिस, इन बिटवीन टू लंग्स, इन द स्पेस मीडियास्टिनम, ये बंद मुट्ठी के जितना है, और इस जगह को बोलेंगे कार्डियक नॉच, ठीक है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, कुंदन ने बोला मैम इतना इंपॉर्टेंट है, लंग्स है, हार्ट है, इसके बाहर कोई तो प्रोटेक्शन के लिए केजिंग करो, तो हमने इसके क्या कर दी? केजिंग कर दी, आगे से, पीछे से, साइडों से, ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रोटेक्टेड है। क्या है? प्रोटेक्टेड है। कैसे बताओगे? आगे वाली साइड कौन सी होती है? आगे वाली साइड होती है वेंट्रल साइड। मेरे बच्चों बताओ, वेंट्रल में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? फ्रंट इज वेंट्रल, बैक इज डॉर्सल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं यहां पर जो भी शब्द बोल रही हूं, मैं यहां पर जो भी वर्ड्स लिख रही हूं, मेरे नोट्स में आपको जो भी चीज दिखेगी, दैट इज हाईली वैलिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में बता दो क्या इसको प्रोटेक्ट करेगा। वेंट्रल साइड में प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे सिस्टम को है मेरे पास स्टर्नम। यहां पर क्या है? स्टर्नम, ठीक है, ओके। वेंट्रल वाली साइड क्या है? स्टर्नम। पीछे वाली साइड देखेंगे, द बैक साइड इज गोइंग टू बी द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तुम बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लैटरल साइडों पे, साइडों पे कुंदन ने बोला कि मैम साइडों पे भी तो कुछ होना चाहिए, साइडों से गड़बड़ हो सकती है, तो यार लैटरल साइड पर इस पूरे सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तुम बोलोगे मेरे रिब्स भी तो हैं, वो भी तो प्रोटेक्ट करेंगे। फिर नीचे, नीचे बेटा पोस्टीरियर साइड, दिस इज द नीचे वन, नीचे तो हमने देख ही लिया था। पोस्टीरियर साइड पर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आप बोलेंगे डायाफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है। ये चार चीजें मिलकर एक जेल बना लेती हैं, एक बंद जेल बना लेती हैं, और इस बंद जेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बोलते हैं बेटा जी इस बंद जेल को? रिब केज, समझे? तो ये है पूरा रिब केज, ये पूरा ऐसे गोल गोल बना दिया है कि ना मेरे दिल को कुछ हो, ना मेरी लंग्स को कुछ हो, पूरी प्रोटेक्शन रहे इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, प्रोटेक्शन रहे इस पूरे सिस्टम को। डन गाइस, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं कुंदन के लंग्स पे। अब क्या कोई बच्चा अपने लंग्स को डोनेट करना चाहता है? डोनेट नहीं, मतलब मैं मांग नहीं रही हूं, भगवान करे आपको कभी डोनेट ना करना पड़े, ना ही कभी देखना पड़े। डोनेट इन द सेंस अपना नाम देना चाहता है इन लंग्स को, क्योंकि इन लंग्स की मैं कॉपी बनाऊंगी। कुंदन के साथ कैविटी सीखनी थी, अब एक नए बच्चे के साथ मुझे लंग्स बताने हैं आपके। यस बटो, बटो कह रही हूं, बच्चों, यस, कौन है वो बच्चा? तो जिसकी अब मैं आने वाले अगले पेज पे लंग्स बनाने वाली हूं, आई एम गोइंग टू मेक द लंग्स। अच्छा टेल मी गाइस, हैव यू एनरोल्ड? हैव यू एनरोल्ड इन 5 PM क्लास? जो बच्चा एनरोल नहीं करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगी, क्योंकि अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन निकालने, और हाई लेवल क्वेश्चन तुमको पता है मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट खुद लिखा था, ये रहा
ये तो तुमको पता ही है, ये तो ऑफलाइन है, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। आप सबने ऑलमोस्ट ले लिया है, नहीं लिया तो लिंक टेलीग्राम से लेना। लेकिन 5 बजे पहले क्लास बेटा ऑनलाइन है, नहीं ले पा रहे हो इसको, वो फ्री क्लास है, आना जरूर है, एनरोल कर लो उसमें। हाँ, किसका रंग लूं? ये मैं ले लेती हूँ त्यागी जी का। त्यागी जी का पूरा नाम नहीं मैं पढ़ पाई, एक मिनट ऊपर जाने दो। पता नहीं यार नाम क्या है, उसका सरनेम त्यागी था, तो त्यागी का ले लेते हैं। बेटा त्यागी, आपका रंग मैं ले रही हूं, नाम नहीं मैं आपका पढ़ पा रही हूं क्या है। ठीक है, बहुत तेज चार्ट चल रही है ना। ये राइट लंग हो गया और ये मेरे पास लेफ्ट लंग हो गया, जिसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। ठीक है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। अब यार ये जो लंग है, इधर राइट लिख लेते हैं, इधर लेफ्ट लिख लेते हैं, ये लिखना बड़ा जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यार राइट और लेफ्ट लंग जो है, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू लोब्स, मल्टीपल लोब्स है, एंड दिस डिविजन इज विद द हेल्प ऑफ फिशर्स। कुछ फिशर्स हैं जो इनको लोब्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर राइट लंग में बात करें, एक तो ये फिशर है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या है? हॉरिजॉन्टल फिशर। और एक ये फिशर है जिसका नाम है ऑब्लीक फिशर। इधर क्या है? सिर्फ ऑब्लीक फिशर है। तो लेबल कर लेते हैं, यस दिस वन इज, इसको मैं थोड़ा सा ना उठा के छोटा कर देती हूं। ओके, यस, छोटा कर देते, आगे जी का लंग थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है लिखने के लिए। हां जी बेटा, तो ये वाला जो फिशर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर। नीचे वाला जो फिशर है जिसका नाम है ऑब्लीक फिशर। बेटा मेरा ना यूपीएस ठीक हो रहा है इस समय, अगर बीच में मैं गायब हुई अचानक से, वेडनेसडे हो गया, छा गया अंधेरा, तो समझ जाना उजाला आने ही वाला है। मैं उसके एक दो मिनट में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि इंटरनेट कट जाता है, तो भाग मत जाना, आ जाएगी। वैसे ठीक हो रहा है वो, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से यहां पर लोब्स आ गए। इस लोब को अपन लोग बोलते हैं सुपीरियर लोब। तो तुम लोग समझते हो ना, समझते हो, भागना नहीं। ये जो आपका लोब है नीचे, ये है इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। और बेटा जी जो ये लोब है, इसको बोलते हैं मीडियन लोब, बीच का लोब। ठीक है, त्यागी जी के राइट वाले लंग में कितने लोब हैं? 3 लोब। लेफ्ट वाले लंग में देखेंगे तो 2 ही लोब है, एक त्यागी के ऊपर वाला सुपीरियर लोब और यहां पर त्यागी जी के नीचे वाला इंफीरियर लोब। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है कैसे कैसे डिविजन्स हैं, कैसे कैसे बेटा जी अपने पास डिविजन है। चलो अब चलते हैं वापस से डायग्राम ऑफ कुंदन कुमार। कुंदन कुमार के लंग में हमने क्या देखा था कि ट्राकिया जा रही थी, ट्राकिया से आगे प्राइमरी ब्रोंकाई गया। अब यार प्राइमरी आगे सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर आगे इनिशियल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस बन रहे हैं, तो उसको पूरा लिख लेते हैं, उसको ना पूरा लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर पूरा वो बना दे रही हूं कि पहले तुम्हारे पास ट्राकिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राकिया था। ट्राकिया से आगे बाइफरकेशन T5 पे हुई बच्चों, क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या बनाते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या बनाएंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। मेरे साथ साथ बोलो यार, टर्शरी ब्रोंकाई क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे छोटे होकर ब्रोंकियोल बनाएंगे, पहले बनेगा इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर बेटा क्या बनेगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल। 1.5 घंटे, 1.5 घंटा और। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर आएगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक है, देन आपका क्या आ जाएगा? एल्वियोलर डक्ट, लास्ट में आ जाएगी एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, यस, देख रहे हो? यस, देख रहे हो? इतनी ज्यादा कुंदन कुमार के लंग के अंदर ये वैसा सीन हो गया, एक गली के अंदर दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, तीसरी गली से तीसरा, मोहल्ले पे मोहल्ला, गली पे गली निकलती जा रही है, गली पे गली निकलती जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि अपने ट्राकिया से लेकर कहां तक, ट्राकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल, मैं ध्यान दे रही हूं बेटा, ट्राकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल, तो डब्बा बना देती हूं यहां पर, ट्राकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ये रहा इनिशियल ब्रोंकियोल। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है,
इस पोर्शन में आपकी कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स है, ध्यान देना। इस पोर्शन में सब में सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा नीट में कि सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स सिर्फ ट्रैकिया में नहीं है, ब्रोंकाई में भी है, अप टू इनिशियल ब्रोंक्योल है, तो उसके आगे भी लगा देते? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि बेटा उसके आगे डक्ट बहुत नैरो हो गई है, इतनी नैरो पतली गली पे नहीं लग पाता है। देन दूसरी चीज बेटा आपको यहां पर जो ध्यान रखनी है वो रखनी है कि अप टिल टर्मिनल ब्रोंक्योल, ट्राकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्योल तक ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग रीजन। यहां पर कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? कंडक्टिंग रीजन, नो एक्सचेंज। यस, ये क्या है? नो एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा बेटा एक मैं आपको बताती हूं, जस्ट लिसन टू मी गाइस। ठीक है, ये कंडक्टिंग रीजन है, आगे वाला जो हिस्सा है ये, दिस इज द रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। ओके गाइस, तो एज यू नो बेटा अपना जो है लाइट का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, यूपीएस ठीक हो रहा है, तो भैया बोल रहे हैं कि क्या मैम 2 मिनट के लिए लाइट काट सकते हैं? आप बताओ, काटने देंगे ना काटते थे, तुम बता दो हैं? भैया को क्या बोलूं, लाइट काट दोगे ना काटे, बताना लाइट काटेंगे ना काटे? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चेक कि जो उसने किया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो काम कर गया तो लाइट जाएगी नहीं, अगर काम नहीं किया तो कट जाएगी। तो भैया बताओ काट दे? यस, ठीक है काटने दे, 1 मिनट के लिए जाएगी है, चलो भाई काट दो। यस, ओनली फॉर 2 मिनट्स कर दो। तो मैं भैया को बोल देती हूँ आप काट दो लाइट, काट दो भाई। हाँ, 1 सेकंड के लिए जाएगी, आई विल बी बैक। ठीक है, मैं बता के जा रही हूं, आई विल बी बैक। यस गाइस, मैंने बोला था यार मैं आ जाऊंगी 1 मिनट में, कहाँ भाग गए सब हैं, कहाँ भाग जाते हो? भैया को ठीक नहीं करने दे रहे हो, मतलब तुम नहीं जाते फ्यूचर की क्लासेस पे इम्पैक्ट आए हैं। अगर आज भैया कर देंगे तो सोचो कभी लाइट नहीं जाएगी फिर। ठीक है भैया को काम करने दो यार, ऐसे मत करो। यस, आ जाओ, आ जाओ फटाफट से। क्या चैट कर रहे थे बताओ, क्या चैट कर रहे थे? यस, ठीक है, साइज छोटा कर लीजिए अपना। बेटा मैं ऐसे छोटे होकर बैठ जाती हूँ, ठीक है छोटा कर लेती हूँ अपना साइज। चलो मैं तुम्हें क्या बता रही थी, आई वॉज टेलिंग अबाउट द कंडक्टिंग रीजन एंड द रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस सिर्फ इन 2 जगह पर होता है, याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैस सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल और एल्वियोलर डक्ट में होता है। ये जो पर टर्मिनल ब्रोंक्योल तक जितना हिस्सा है यहां पर सिर्फ गैस ट्रैवल करती है, एक्सचेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं आखिरी वाले हिस्से में जिसका नाम है एल्वियोलाई। ठीक है, क्या नाम है इसका? एल्वियोलाई। बेटा एक ना बहुत अमेजिंग चीज आ रही, यस कैन यू सी मी गाइस? देख पा रहे हैं सब बच्चे, सुन भी पा रहे हैं?
बेटा आपने देखा ना यूपीएस वाले भैया की हालत, यस क्या हालत हो गई है भैया की। नीचे दो यूपीएस हैं, दोनों खोल के बैठे हैं बेचारे, खुद ठीक करने हैं, लाइट ही पीछे से ही चली गई। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आ जाओ भैया, कहाँ से आए थे बाकी बच्चे, उनको भी ले आओ कि भैया तुम भी कुछ सीख लो, तुम भी कुछ सीख लो। यस कम ऑन गाइस, फास्टली आ जाइए, ठीक है कोई बात नहीं। सेशन को लाइक नहीं किया यार तुमने, मैं देख रही हूँ इतने सारे बच्चे हैं पर सेशन पर लाइक नहीं है उतने। कम ऑन, जब तक सब आ रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक करिए, फास्टली कर दो लाइक ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। यस फास्टली लाइक कर दीजिए। आई एम लुकिंग एट द नंबर। देखा बेटा मैंने आपको फोटो भेजी भी टेलीग्राम पे यूपीएस वाले भैया की, डिड यू चेक इट, गो एंड चेक इट द फेस। ही हैज बिकम एन इंजीनियर एंड ओपनड एवरीथिंग कि आज तो मैम का यूपीएस ठीक करके ही जाऊंगा, कुछ हो जाए। आज हम बेटा नेचर से फाइट कर रहे हैं। स्पेशल क्लास कहाँ होती है, लिंक पिन किया हुआ बेटा चैट बॉक्स में, ऊपर लिंक पिन किया हुआ वहां होती है स्पेशल क्लास, वहां पर होती है। चलो तो आज मेरी जंग है किससे, मेरी और यूपीएस वाले भैया की जंग है बेटा आज, ठीक है। इस जंग में हमको जीतना है। ये जंग हम किससे लड़ रहे हैं, बत्ती से लड़ रहे हैं। बत्ती कौन है, बत्ती दामिनी है। दामिनी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है शायद, हाँ पता नहीं। हाँ बत्ती कौन है, दामिनी है, ठीक है शायद। मेरे स्कूल में बेटा एक लड़की होती थी दामिनी आहूजा, मेरे ख्याल से दामिनी का मतलब बत्ती होता है। What do you think? आई एम नॉट श्योर, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि वो भी ऐसा बोलती थी कि स्कूल में उससे पूछते थे तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तो वो बोलती थी मेरे नाम का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, पता नहीं, ठीक है। तो यार ये अपना एल्वेओलाई है। एल्वेओलाई इज अ हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर, इसके आसपास खूब ब्लड वेसल घूमती रहती है। इसके आसपास खूब सारी ब्लड वेसल्स घूमती रहती है, ठीक है। चलो तो ये जो एल्वेओलाई के सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। ये किस टाइप के सेल्स हैं, मैंने आपको बताया था एल्वेओलर एपिथेलियम की लाइनिंग सबसे पतले चपटे फ्लैटेंड सेल्स बनाते हैं, और इन फ्लैटेंड सेल्स को हम लोग कौन से सेल्स बोलते हैं, स्क्वामस सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे क्या है, ये ब्लड वेसल है। ये क्या है आपकी, ये बेटा जी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल की लाइनिंग कौन बनाता है, तो तुम बोलोगे ब्लड वेसल की लाइनिंग भी फ्लैट एंड चपटे सेल्स बनाते हैं। ये भी कौन से, स्क्वामस एपिथीलियम। और इनको तो नाम दिया जाता है, इनको क्या नाम दिया जाता है, एंडोथीलियम का नाम हमने एनिमल टिश्यूज में इनको दे दिया था। अब यार ये जो न्यूमोसाइट्स हैं, जो स्क्वामस एपिथीलियम के सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली कवर्ड बाय अ सर्फैक्टेंट। इनको कवर करने के लिए बेटा एक सर्फैक्टेंट है यहां पर, जो कि इनको कोलैप्स नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, ठीक है। इस सर्फैक्टेंट का नाम क्या है, यस एनी आइडिया, लेसिथिन। किससे बना होता है, लेसिथिन से बना होता है। तो यार इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, किसकी, सर्फैक्टेंट की, विच इज अ फॉस्फोलिपिड, दैट इज लेसिथिन। हम इसको बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ेंगे। काम क्या है बेटा, इसका काम है कि दोनों को कोलैप्स नहीं हो देगा। कल को एल्वेओलाई पूरी खाली होगी, तो यार ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए। अब यार जो भी एयर यहां पर आई, यानी कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन पहुंच गई, समझना इसको, यहां पर आपके पास ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजन को यहां पर पहुंचने में, ब्लड में पहुंचना है ना अल्टीमेटली, इस ऑक्सीजन को यहां पहुंचना है, ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचने में तीन दीवारें क्रॉस करनी पड़ेंगी, तीन बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला बैरियर होगा स्क्वामस सेल्स ऑफ द एल्वियोलर लाइनिंग, यानी कि एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई। फिर बेटा बीच में जो सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट सब्सटेंस, और फिर उसको एपिथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि जब इस ऑक्सीजन को ब्लड में भेजने की बात आएगी, तो तीन चीजें क्रॉस होंगी। नंबर वन, नंबर टू, दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस। नंबर टू को क्या बोला है, बेसमेंट स्पेस, बेसमेंट सब्सटेंस और इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल
स्पेस, ठीक है, और नंबर थ्री द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल. ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं. तीनों मिलकर, तीन समझ गए कि एक तो ये, फिर ये बीच का गैप, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं. क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं. अब बताओ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की मोटाई कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो तुम देखकर बताओगे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो कितनी होती है, 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है. और यहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है. ये एक्सचेंज किस प्रोसेस के द्वारा होगा, तुम बोलोगे जितना भी गैशियस एक्सचेंज है वो किस प्रोसेस के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा. तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए, ये गीली होनी चाहिए, और बेटा ये सारा का सारा एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है. ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं. तो यहां तक हमने किसके बारे में बात करी, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है. अब आएंगे सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना. अब प्राणायाम की बारी है. आप में से मुझे बताइए क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, सारा का सारा एक्सचेंज आ तो रही है. हाँ जी, नेक्स्ट अपने लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. स्ट्रक्चर इज डन, एनाटॉमी इज डन, मूविंग ऑन टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है. सांस अंदर लेना और बाहर. मैं पूछ रही थी आप में से आज तक प्राणायाम किसने, कितनों ने किया है. यस, आप में से आज तक प्राणायाम कितने बच्चों ने कर रखा है, बताना कितने बच्चों ने कर रखा है. बेटा सेशन को लाइक करके बताओ, हैं, जिस जिसने कर रखा है सेशन को लाइक कर दो. हाँ, कितनों ने किया है, कितनों ने, सिर्फ 82% ने किया. बाकी के जो बचे हुए 18% है ना, वो अभी करेंगे मेरे साथ, क्योंकि अब जो बारी है वो प्राणायाम की है, जिसमें मैं तुम्हें कहूंगी सांस अंदर लीजिए. आप बोलेंगे मैम इंस्पिरेशन हो गई. फिर मैं बोलूंगी सांस बाहर छोड़िए, आप बोलेंगे मैम एक्सपिरेशन हो गई. अब यार ये जो ब्रीदिंग है, इंस्पिरेशन और इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मसल. ये मस्कुलर फिनोमिना है बेटा. ये मसल जो है ना, दो तरीके की मसल है, एक तो इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी डायफ्राम की मसल. आपको पता है कुंदन कुमार के जो हमने बनाया था, ठीक है, कुंदन कुमार के एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी बनाया. कल को कोई दुश्मन हो ना कुंदन कुमार का, दुश्मन हो और उसने सीप मैम से बायो पढ़ी हो, और अगर उसको कुंदन कुमार का खात्मा करना हो कि इसको तो मार के छोड़ूंगा, और उसने मेरे से बायो पढ़ी हो, तो बेटा वो आएगा चाकू लेके. कहां घुसाएगा चाकू, चाकू डायरेक्ट घुसाएगा बेटा कुंदन कुमार की इस डायफ्राम की मसल में, क्योंकि 75% ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यही फ्रेनिक मसल कंट्रोल करती है. लेकिन बशर्ते ये है कि उसको सीप मैम से बायो पढ़नी पड़ेगी अटैक करने के लिए. ये ऊपर चाकू मार रहे हैं, पेट में चाकू मार रहे हैं, उससे बंदा जिंदा रहेगा, कुंदन कुमार को कुछ नहीं होगा, ठीक है. और अगर कुंदन कुमार भी बहुत वो रहा, राइट, कुंदन कुमार अगर उस टाइप का रहा, कुंदन कुमार को अगर बचाना हुआ, तो कुंदन कुमार सबसे पहले सरहाना लेकर अपना डायफ्राम बचाएगा कि भैया तू ऊपर चाकू मार ले, नीचे चाकू मार ले, लेकिन मेरे डायफ्राम पे चाकू नहीं मारना, ठीक है, डायफ्राम पे चाकू नहीं मारना, राइट. क्योंकि 75% ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीज डायफ्राम मसल्स, ठीक है. चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करते हैं. अब मैं ठीक कर दिया, इसको रख दिया बेटा यहाँ पर, ये तार हिलती है ना तो प्रॉब्लम आती है. अब तार नहीं हिलेगी. मैम की क्लास में आजकल प्रॉब्लम है यार, नजर लग गई है मेरी क्लास को, है ना, नजर लग गई है मेरी क्लास को. चलो सबसे पहले करते हैं इंस्पिरेशन. क्या करते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है. इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन ऑफ एयर. इसमें कौन कौन सी मसल हिस्सा लेती है, जब हवा अंदर लेके जानी होती है तो कौन कौन सी मसल हिस्सा लेती है. दो टाइप की मसल बेटा मैं यहां पर आपको लिखवाऊंगी. पहली है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. दूसरी कौन सी है, डायफ्राम वाली. डायफ्राम की मसल को मैंने क्या बोला था, फ्रेनिक मसल बोला था,
क्या बोला था? फ्रेनिक मसल बोला था। तो यार एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम की मसल 75% इट इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम की मसल। तो यार एक रूल याद रखना, हमेशा जो गैस है, गैस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। हमेशा गैस हाई वाले एरिया से लो वाले एरिया की तरफ जाएगी, कभी भी लो टू हाई नहीं जाएगी। यानी कि अगर ऑक्सीजन को तुम्हें अंदर लेके जाना है तो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही जाओगे। पहली चीज ये, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए तभी हवा का आदान प्रदान होगा। दूसरा, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम कम वहां प्रेशर ज्यादा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो इंस्पिरेशन करा। जब आप हवा अंदर लेने जाते हो, जरा सब बच्चे गहरी सांस अंदर ले, यस एवरीवन टेक अ डीप ब्रेथ इन। तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये कहां आई? बाहर की तरफ आई, आई कि नहीं आई? यानी कि जब आप इंस्पिरेशन करने की कोशिश करते हो तो ये वाली मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं, सब बच्चे देखिए ऊपर की तरफ आ गए, आउटवर्ड कहां आए? आउटवर्ड आए। और कहां गए? अपवर्ड गए। गए कि नहीं गए? हाँ, अपवर्ड गए, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? अंदर का बढ़ जाएगा। ये रिब्स बाहर की तरफ चले जाएंगे तो अंदर का वॉल्यूम, थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा डायफ्राम की मसल भी क्या करी? कॉन्ट्रैक्ट करी। तो डायफ्राम की शेप क्या हो जाती है बेटा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो डायफ्राम बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाता है। यानी कि डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। फ्लैट होने की वजह से अगेन यहां पर भी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। अंतर क्या है कि रिब्स के बाहर आने पे वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज किया, डोर्सोवेंट्रली ऐसे वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन डायफ्राम के नीचे जाने से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन यहां पर डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज किया, ठीक है। और यहां पर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज किया। बॉयल्स लॉ लगाओगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा बताओ? वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, पल्मोनरी कैपेसिटी बढ़ी। अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? बॉयल्स लॉ लगाया मेरे बच्चों तुमने, प्रेशर अंदर का क्या होगा? लंग्स का डिक्रीज। अगर प्रेशर कम हुआ, थोरैसिक कैविटी का भी प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो हवा अंदर, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया तुमने, जिसकी वजह से इनहेलेशन। समझे बेटा? इनहेलेशन में इंटरकॉस्टल मसल बाहर की तरफ आई, वॉल्यूम बढ़ाया, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम, हवा अंदर, सिंपल, ठीक है, हवा अंदर। अब बात करते हैं, ये तो था जब मैंने तुम्हें बोला सांस लेना है, अब मैं तुम्हें बोल रही हूं बेटा प्राणायाम का दूसरा भाग, अब मैं तुम्हें बोल रही हूं गहरी सांस लेना है। तो सब बच्चे मेरे साथ ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 क्या लेंगे? गहरी सांस, फोर्स इंस्पिरेशन। इस गहरी सांस को हम क्या बोलते हैं? इस गहरी सांस को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। इस फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी क्या हुआ? वो मसल काम करी, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, EICM बोलते हैं इसको। कई बार बुक्स में इसको EICM भी लिखा होता है, एक IICM भी होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल। EICM तो है ही है, फ्रेनिक भी है, और साथ में कुछ और मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे स्केलीन मसल्स है, ठीक है, एंटीरियर सिराटस है, ये ना याद हो तो मत करना याद, ठीक है, एंटीरियर सिराटस है, स्टीरोक्लिमाइडस है, तो यार इसको नाम याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी आपने थोड़ी और कॉन्ट्रैक्शन करी और हवा अंदर ले ली, तो ये हो गई फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब मैं तुम्हें कह रही हूं सांस छोड़ो बेटा, है ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन करिए, एक्सपिरेशन, सांस अंदर ली फिर आपने सांस छोड़नी है। एक्सपिरेशन यानी कि एक्सहेलेशन, एक्सपल्शन ऑफ एयर। इसमें भी वो दो मसल है, ठीक है, मसल उल्टा है बस ये प्रोसेस, EICM और कौन सी है? फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम। बताओ बेटा ये क्या करेंगी? अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी। तो रिब कहां जाएंगे? जरा सांस अंदर लेके जाओ,
तो सांस अंदर लेने पे रिब्स बाहर आ रहे थे, सांस छोड़ने पे छोड़ो अंदर की तरफ गए ना, अंदर की तरफ गए, तो जो रिब्स हैं, रिब्स बेटा कहां गए, इनवर्ड गए, ठीक है। जो डायफ्राम है वो उसकी शेप क्या हो गई, वो रिलैक्स होके डोम शेप बन गया। रिब्स के अंदर जाने पर और डायफ्राम के डोम शेप होने पर वॉल्यूम का क्या हुआ, आप बोलेंगे हेयर द वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड। इधर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज किया, इधर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या हुआ, बॉयल्स लॉ लगा दो, प्रेशर इंक्रीज। और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम, तो हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल बाहर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फॉलो करेगी एंड इट विल लीड टू एक्सपल्शन ऑफ एयर, ठीक है, यस। अब बेटा, अब मैं तुम्हें बोल रही हूं थोड़ा सा और प्राणायाम करो, तुमने हवा बाहर निकाली, थोड़ी कोशिश करके और ज्यादा हवा बाहर निकालो, देख रहे हो बेटा, एक्स्ट्रा हवा बाहर निकालनी है, यानी कि अब आपको आखिरी प्रोसेस मुझे करके दिखाना है जिसका नाम है फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है। जब आप फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेंगे तो क्या सिर्फ रिलैक्सेशन होगा, आप सब मुझे चेक करके बताइए, पेट पे हाथ रखो सब बच्चे, फोर्स्ड एक्सपिरेशन करो, एक बार हवा बाहर निकली, क्या फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने पर आपका पेट अंदर नहीं खींच रहा, यस और नो, यस, क्या आपका पेट अंदर की तरफ, पेट पे हाथ रख के फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेंगे सब बच्चे हाँ इतना हंसने की बात नहीं बेटा, सबका चेहरा ऐसे ही बनता है जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेट करते हैं, ठीक है, यस पेट पे हाथ रखिए, यस। तो अब क्या करना है, गहरी सांस अंदर, फिर एक नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन जब आप करेंगे पेट अंदर जाएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन में नहीं जाएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन में पेट इज लाइक दिस ओनली, लेकिन जब आप फोर्स एक्सपिरेशन करेंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि यहां पर मामला सिर्फ रिलैक्सेशन का नहीं है, यहां पर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और पता है कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एब्डोमिनल रेक्टाई, पेट की मसल, और कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, IICM, दैट इज इंटरनल इंटर कॉस्टल, ठीक है, चलो। मतलब देखा जाए नॉर्मल इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुई, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी कॉन्ट्रैक्शन हुई, नॉर्मल एक्सपिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, सिर्फ रिलैक्सेशन हुई, और फोर्स्ड एक्सपिरेशन में रिलैक्सेशन नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। इससे क्या पता चलता है भैया, ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन थी ये कैसा प्रोसेस था, ये कैसा प्रोसेस था, एक्टिव प्रोसेस था, है ना, जहां कॉन्ट्रैक्शन हो गया वहां एक्टिव, ये जो फोर्स इंस्पिरेशन था ये भी कैसा था, एक्टिव, क्योंकि यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये जो नॉर्मल एक्सपिरेशन है यहां तो रिलैक्सेशन हुई, तो यार ये अपना पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, रिलैक्स होने में थोड़ा एनर्जी लगती है, लेकिन जो फोर्स एक्सपिरेशन है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो चार में से तीन एक्टिव है, एक पैसिव है, चार में से तीन एक्टिव है, एक पैसिव है, यस, जहां कॉन्ट्रैक्शन वो एक्टिव, जहां पर रिलैक्सेशन वो पैसिव, बच्चों ठीक है, सिर्फ एक ही पैसिव है, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज पैसिव, दैट इज इट। चलो जी, विद दिस वी आर डन विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में बेटा आपको ये वाली फोटो दी हुई है एनसीईआरटी में, जरा देख लो, लेट मी जस्ट मेक इट लिटल बिगर, हाँ देख रहे हो, ये देखिए, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, और डायफ्राम ऐसे डोम शेप हुआ पड़े, डोम शेप कब होता है, रिलैक्सेशन के वक्त, एक्सपिरेशन के वक्त, ठीक है। एक डायग्राम आपके दिया हुआ था, ये वाला, लुक एट दिस, ये दो डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन में, कब बेटा डायग्राम देख लीजिए एक बारी, हवा अंदर जा रही है, हवा अंदर तभी जाएगी जब अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम बेटा अपने को ज्यादा रखना पड़ेगा, रिब्स को बाहर की तरफ रखना पड़ेगा, डायफ्राम को फ्लैट करना है, एरोज बहुत ध्यान से देखेंगे, डायफ्राम फ्लैट हो गया ऐसे आ जाएगा, रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं और हवा अंदर की तरफ आ रही है। अब जरा ये वाला डायग्राम देखिए, यहां पर जब आप ध्यान देंगे एक्सपिरेशन के वक्त पे अंदर वॉल्यूम हमें क्या करना है, कम करना है, कम करने के लिए रिब्स को वापस इस जगह पर ले आओ,
डायफ्राम को डोम शेप बना दो और बेटा वॉल्यूम को कम कर दो तो हवा जो है वो बाहर चली जाए। ये मैंने सारा प्रोसेस इस तरीके से लिख दिया यहां पर, आप देखेंगे ईच एंड एवरी प्रोसेस इज मेंशनड ओवर हियर, ठीक है। और ये भी बताया है कि ह्यूमन एडल्ट जो हेल्दी है वो 12 से 16 समय ब्रीदिंग करता है। मैंने अपनी पिछली क्लास में, बेटा मैं आपको फनी इंसिडेंट बताऊं, पिछली क्लास में एक बार मैंने बच्चे से पूछा बताओ हमारा ब्रीदिंग रेट कितना है, आपको पता है एक बच्चे ने कितना बताया, कह रहा है 72 टाइम्स। मैंने कहा मतलब जितना तुम्हारा दिल धड़कता है उतना ही तुम्हारा नाक भी धड़कता है, हैं? नाक में से भी उतनी बारी हवा निकलती है जितनी बारी दिल में से तुम्हारा ब्लड निकलता है। बेटा आपके ब्लड में हार्ट रेट जो है आपका वो कितना है, 72। जो आपका ब्रीदिंग रेट है दैट इज जस्ट 12-16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 12-16 टाइम्स पर मिनट। अब यार आपने क्या ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखा, इवन मेरे घर पे ही इंस्ट्रूमेंट है, नीचे पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाती। दिस इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर, दिस इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर में ना ऐसे तीन बॉल्स होती है, हवा डालनी पड़ती है, वो उससे बॉल ऊपर की तरफ जाती है और कितनी क्षमता है अगर आप तीनों को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। तो क्लिनिकल असेसमेंट के लिए कि आपके लंग्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, कितना आप एक्सपायर करके रख सकते हैं, ये सब मेजर करते हैं अपन लोग किसकी मदद से, स्पायरोमीटर की मदद से। ऐसा ही दिखता है बिल्कुल, कल आज शाम को, शाम वाली जो क्लास है ना इसमें दिखाऊंगी स्पायरोमीटर, ठीक है। मुझे 5 बजे वाली क्लास से पहले ना तुम डीएम कर देना टेलीग्राम पे कि मैम आपको स्पायरोमीटर दिखाना, मैं हवा डाल के दिखाऊंगी, मेरे से तो बेटा एक ही बॉल ऊपर हो जाए बहुत बड़ी बात है, तीनों तो मैं कभी नहीं कर पाती, बहुत जान लगती है इसमें, बहुत जान लगती है। मैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में दिखाऊंगी आपको स्पायरोमीटर, ठीक है। इससे आप क्लिनिकली असेस कर सकते हो पल्मोनरी फंक्शन। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पायरोमीटर का क्या काम है, क्लिनिकली आप असेस कर सकते हो। इस स्पायरोमीटर की मदद से हम लोग निकालते हैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, क्या निकालते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब यार यहां डेफिनेशन तो लिखी हुई, मैं तुम्हें ना वो नहीं बना हुआ, रुको मैं आपको ना वो बना के दिखाती हूं। यस, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। कैपेसिटी क्या होती है, जब एक से ज्यादा वॉल्यूम तुम मर्ज कर देते हो ना वो कैपेसिटी होती है। चलो बेटा अब फिर से थोड़ा प्राणायाम करने का समय आ गया, ठीक है। यस, ओके, लेट अस डिस्कस पल्मोनरी वॉल्यूम। सो एवरीवन टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इनसाइड, आप एक गहरी सांस नहीं लेनी है, नॉर्मल सांस लेनी है। तो मेरे साथ साथ सांस लेंगे सब बच्चे, जब आप एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो जितनी हवा आपके लंग्स में भर रही है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या बोलते हैं, टीवी, द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू टेक इन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हवा अंदर ली, अब मैं बोल रही हूं हवा बाहर छोड़िए, ठीक है। तो आपने जितना हवा नॉर्मली बाहर छोड़ा वो फिर से क्या है, टाइडल वॉल्यूम। मैंने फिर से सबको बोला भैया एक नॉर्मल सांस अंदर लीजिए, आपने बोला मैंने टाइडल वॉल्यूम फिर से अंदर ले लिया। ये वॉल्यूम जब स्पायरोमीटर से निकाला गया पता है कितना आया, टाइडल वॉल्यूम आया 500 मिलीलीटर, कितना, 500 ml। अब इस 500 ml में से असलियत में कितना अंदर गया था, कितना अंदर गया था बेटा, ये 500 ml जब आपकी बॉडी के अंदर एल्वियोलाई में गया तो 500 में से सिर्फ 350 ml यहां पहुंच पाया, 350 ml यहां पहुंच पाया, 150 ml बेटा रास्ते में ही रह गया, समझ रहे हो, सिर्फ 350 ml ही पहुंच पाया, 150 रास्ते में रह गया। ये जो रास्ते में रह गया इसको बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम, क्या बोला जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो 350 ml एल्वियोलाई तक पहुंचा इसको बोलते हैं हम एल्वियोलर वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब इस टीवी से बोला कि यार एक बारी में तुम 500 ml अंदर लेके जाते हो, जरा बताओ एक मिनट में कितना लेके जाओगे, फटाफट से सब कैलकुलेट करें, व्हाट इज गोइंग टू बी एमवीआर, मिनट वेंटिलेशन रेट, एमवीआर क्या होता है, मुझे लग रहा फिर से आएगी, मिनट वेंटिलेशन रेट, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट में कितना लेके जाओगे, तुम बोलोगे 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, 12 बारी सांस लेते हो तो 6000 ml, 6000 ml पर मिनट, ठीक है।
इस तरीके से MVR निकाले। अगर तुम्हें बोले एक मिनट में गैशियस एक्सचेंज कितने का होगा, तो तुम 500 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो तुम 350 को मल्टीप्लाई करोगे। किसको मल्टीप्लाई करोगे? 350 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बोल रही हूं कि एक गहरी सांस अंदर लेना है। अब क्या कर रहा है? गहरी सांस अंदर लीजिए, चलो गहरी सांस अंदर लो। तो तुमने बोला पहले मैं नॉर्मल सांस लेता हूं, फिर मैं गहरी सांस लेता हूं। गहरी सांस में जो तुमने एक्स्ट्रा सांस अंदर ली, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000 ml। फिर मैंने तुम्हें बोला कि जितना हवा अंदर गई है सबको बाहर छोड़ दो, तो तुमने पहले IRV बाहर निकाला, फिर तुमने TV बाहर निकाला। फिर मैंने बोला अब पेट को अंदर करके थोड़ा और एक्स्ट्रा हवा बाहर निकालो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन एक्सहेल, दिस इज कॉल्ड एज ERV, एंड द वैल्यू ऑफ ERV इज 1000 to 1100 ml। ठीक है, अब कितना भी तुम पेट को अंदर करके हवा बाहर निकाल लो, कुछ हवा ऐसी है जो हमेशा हमेशा लंग्स में रहेगी। इसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, एंड RV का वैल्यू कितना होता है? RV का वैल्यू होता है अराउंड 1200 ml। ठीक है, RV का वैल्यू होता है 1200 ml। तो ये सारे तुम्हारे वॉल्यूम्स है, TV 500, IRV 2500 से 3000, ERV 1000 to 1100 और RV जो हमेशा अंदर रहता है वो है 1200। अब क्वेश्चन आते हैं क्यों RV हमेशा अंदर रख रहे हो, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है तुमको RV रखने की? तो तुम बोलोगे जरूरत है, RV हर समय इसीलिए अंदर है ताकि आपके जो बलून है LVI वो कोलैप्स ना करे और हर वक्त एक्सचेंज होता रहे, हर वक्त गैसेस एक्सचेंज होता रहे, कभी रुके ना, और बेटा LVI कोलैप्स ना करे, इसीलिए हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में रहता है। ठीक है जी, यस। तो ये दो पर्पज हो गए इसके। अब जब एक से ज्यादा वॉल्यूम को अपने लोग मिला देते हैं तो कैपेसिटी बनती है। क्या बनती है? कैपेसिटी। तो IRV और TV को मिलाया जब हमने, तो ये बन गई आपकी, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, IRV और TV को मिलाया तो ये बन गए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, प्लस करके निकाल लोगे अराउंड 3000 आ जाएगा। TV और ERV को मिलाया तो ये बन गई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जब बेटा IRV, TV और ERV को मिलाया, ये बन गई आपकी वाइटल कैपेसिटी, और जब सारों को मिला दिया तो ये बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबके फुल फॉर्म सबको पता है ना? फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, नहीं तो बेटा आप यहां से कॉपी कर सकते हो, यहां पर लिखे हुए हैं फुल फॉर्म। रुको, कहां गए? ये रहे, ये लिखे हुए बेटा फुल फॉर्म। ठीक है, वैल्यूज भी लिखी हुई है यहां पर, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूं, मेंशन द वॉल्यूम व्हिच इज लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। बताइए वॉल्यूम लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना है? ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, सीप पाहुजा बायोलॉजी। ठीक है, सीप पाहुजा बायोलॉजी, तो वहां से आप इनको ले लीजिएगा। बताओ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बच जाएगा? अगर तुम देखोगे नॉर्मल एक्सपिरेशन यहां तक हो जाती है, इसके बाद बेटा ये दो चीजें बची। ये जो दो चीजें हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा? ERV आ जाएगा प्लस बेटा RV आ जाएगा। ERV प्लस RV इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, डन। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं भैया, ये जो स्पायरोमीटर लेके आए थे हम, ये रहा, कहां गया स्पायरोमीटर? ये स्पायरोमीटर लेके आए थे, अब तो मुझे यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे क्या स्पायरोमीटर से टीवी मेजर हो सकता है, यस और नो? क्या स्पायरोमीटर से टीवी मेजर हो सकता है, यस और नो? यस। क्या स्पायरोमीटर से टीवी मेजर हो सकता है, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स स्पायरोमीटर से टीवी मेजर हो सकता है। स्पायरोमीटर से IRV मेजर हो सकती है, हो सकती है। स्पायरोमीटर से ERV मेजर हो सकती है, हो सकती है। भैया जो हवा का आदान प्रदान कर सकते हो वो तो मेजर हो सकता है ना? तुमने टीवी, IRV, ERV सब मेजर किया,
लेकिन जो हवा आज तक बाहर ही नहीं आई उसको कैसे मेजर करोगे? यानी कि ये जो स्पायरोमीटर है ये आरवी मेजर नहीं कर सकता। ये जो अपना स्पायरोमीटर है कांट मेजर आरवी। और ये आरवी और किस किस में आता है? आरवी भैया एफआरसी में भी तो आता है, तो एफआरसी भी मेजर नहीं कर सकते। आरवी बेटा टीएलसी में भी तो आता है, तो टीएलसी भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीन वॉल्यूम स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ आरवी, क्योंकि आरवी ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है जी। अब फिर पूछा जाता है, डॉक्टर ने अगर तुम्हारे लंग्स की क्षमता चेक करनी है तो वो कौन सा वॉल्यूम देखेंगे? उसको वॉल्यूम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी इंडेक्स। वो कौन सा है? वीसी। वीसी इज योर रेस्पिरेटरी इंडेक्स। ठीक है, वीसी इज योर रेस्पिरेटरी इंडेक्स। अगर डॉक्टर आपकी क्षमता मेजर करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी इंडेक्स। ठीक है जी, वीसी चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। सो विद दिस वी आर डन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अगला टॉपिक आपका रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सैनी शुभम कौन है? क्या शुभम सैनी हमारी क्लास में बैठे हैं? बताना, बारी बारी घंटी खड़काई जा रहे हैं बेटे। जो बारी बारी घंटी खड़काते हैं ना, इनको मैम कर देती है ब्लॉक, और फिर वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। एक ही नंबर है, उसी से ब्लॉक हो लियो तो बस कभी बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं सोच रही हूँ बेटा पैसे लेने शुरू कर दूं मैं बात करने के, क्योंकि मुझे पता है क्या कॉल आते हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे। आपको जरूरत के लिए नंबर दिया गया था, कॉल आएगी, हेलो, हाँ जी, हाँ मैम, आज आप क्लास ले रहे हो? मतलब यू आर कॉलिंग मी फॉर आस्किंग कि आज आप क्लास ले रहे हो? हेलो मैम, आज के नोट्स नहीं दिया आपने, अभी दे दो। हेलो मैम, नोट्स कहाँ मिलते हैं आपके? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैंने ना फॉर्म में भर दिया, अब मैं क्या करूँ? भाई जेन्युइन बात पूछा करो, आज क्लास है नहीं है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैं जिंदा हूं नहीं हूं, ये सब चीजें बेटा मैं टेलीग्राम पे बताती हूँ। ठीक है, और जान के कॉल आती है क्लास में। मतलब आप अगर टेलीग्राम नहीं फॉलो करते हो तो क्या मतलब मैं कॉल पे, क्या मैं पर्सनल ट्यूशन देती हूँ? मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि बच्चों ने ना मुझे पर्सनली अपॉइंट कर लिया। समटाइम्स यू नो, जो जो आदमी आपके लिए बहुत रीचेबल हो जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती फिर। अब जैसे तुम रोज नरेंद्र मोदी जी को फोन करते हो कि हेलो मोदी साहब, आज आपने लंच में क्या खाया? हेलो मोदी साहब, आप अभी ट्रंप से मिलने गए थे, क्या बातचीत हुई? करते हो फोन? अब मोदी जी जैसा औहदा तो नहीं है मेरा, बट मैं बता रही हूँ बेटा, नाउ आई एम थिंकिंग आई शुड स्टार्ट चार्जिंग, ताकि जेन्युइन जिसको सच्चे में प्रॉब्लम है वो कॉल आए। और ऐसे रैंडम कॉल्स जस्ट टू आस्क, हाँ मैम बस वैसे ही फोन किया था चेक करने के लिए। और सबसे बड़ी, हेलो मैम, आप सीप मैम बोल रहे हो? ये देखो दोबारा आया इस आदमी का। अब बेटा तुम जाओगे, शुभम सैनी जाओगे, ठीक है। हेलो मैम, आप सीट मैम बोल रहे हो? सच में सीट मैम बोल रहे हो? मैम चेक कर रहा था मैं, तो बस चेक कर रहा था। भाई चेक करने के लिए फोन करते हो, बताओ कितने रुपए चार्ज करना शुरू कर दो। इन सब से बेटा मैं 100-100 रुपए लूंगी बात करने का, ताकि जेन्युइन कॉल्स आए। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे कमाई हो जाएगी उससे, मुझे कमाई से कोई लेना देना नहीं है, ताकि बेटे जेन्युइन कॉल्स आए। और आप रोज रोज ये सब मेरे से बातें ना करें कि सच में बोल रहे हो, हमें तो लगा मैम झूठ है, हमें तो किसी दोस्त ने नंबर दिया था, बट रहा था रस्ते में नंबर। यस, ये देखो, ये देखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यार गैसेस का जो एक्सचेंज है, पहली चीज ये डिफ्यूजन के द्वारा होगा, द प्रोसेस जिसके द्वारा होगा वो होगा डिफ्यूजन। दूसरी चीज बेटा हाई पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही होगा। अब जरा ध्यान देना, एक तो यार गैस है तो इसको मैं इधर डाल देती हूं, हाँ ठीक है। यार मुझे तो लाइट का अभी भी गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइट जा रही है। यस बेटा, अगर अभी लाइट गई तो फिर तुम वापस आओगे या नहीं आओगे, या मुझे छोड़ के निकल जाओगे? यस बेटा,
अब हमने सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखना है, फिर हम CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा, यानी कि अगर हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। एल्वियोलाई में अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसमें कम है तो ऑक्सीजन यहां आएगी, इसमें अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसमें कम है तो यहां जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझे, इसको बेटा समझ लेना, ये वाला टॉपिक नहीं तो बच्चे करके आते गलत और इसमें करते हैं बहुत गड़बड़ और उनको एनसीईआरटी का डायग्राम समझ नहीं आता। अब यहां पे एनसीईआरटी का आप डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। अब अगर मैं बात करूं हवा की, किसकी बात करूं, हवा की, हवा में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू याद रखना 159 mm ऑफ HG है, HG यानी कि मरकरी 159 है। अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई में तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ HG, तो क्या ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, क्या हवा से ऑक्सीजन अंदर आ सकती है? तुम बोलोगे यस आ सकती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही तो जाना है ना, आ सकती है। चलो जी, अब यार इस एल्वियोलाई के नजदीक चल रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या चल रहा था डीऑक्सीजनेटेड, तो यार ये वाला जो है ना सारा ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड है, मैंने ब्लू कलर से बनाया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, तो यार क्या 104 से 40 तक ऑक्सीजन आ सकती है, यस और नो में बात करेंगे, 104 से 40 तक आ सकती है, आ सकती है। जब बेटा ऑक्सीजन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई तो यार इसने ब्लड को क्या बना दिया, ऑक्सीजनेट बना दिया, है ना, इसने ब्लड को क्या बना दिया, ऑक्सीजनेट बना दिया, तो ऑक्सीजन चल के आ गई, ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो चुका है 95। अब कोई भी बुद्धिजीवी आदमी अपना प्लस का अपनी मैथमेटिक्स स्किल नहीं दिखाएगा, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी मुझे ये नहीं बोलेगा मैं 104 प्लस 40 95 तो नहीं होता। बेटा एडिशन डज नॉट वर्क हियर, यहां आप एडिशन नहीं करेंगे, बस आप जनरली देखें कि पहले 40 था, यहां से ऑक्सीजन अंदर आई तो ये 40 चल के कितना हो गया 95। अब 95 वाला ऑक्सीजन चल रहा है किसके नजदीक आ गया है, टिश्यूज के नजदीक आ गया है। जब मैंने टिश्यूज में देखा तो यार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पता है कितना था, सिर्फ 40, और ऊपर जब हम चल रहे थे तो ऑक्सीजन कितना आ रहा था, 95 आ रहा था, तो क्या 95 टू 40 आ सकता है, तो बोलोगे बिल्कुल आ सकता है ना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आना था, 95 से उठ के कितने पे आ गए अपने 40 पर आ गए, तो यहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ समाप्त। ये देखो 159 टू 104, 104 टू 40, 40 को हमने बनाया 95, 95 से 40, ऑक्सीजन डन। सब बच्चे मुझे थम्स अप के साथ बताएंगे, सेशन को लाइक करके बताएंगे, सेशन को लाइक करके बताएंगे कि क्या ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज मेरे बच्चों क्लियर हो गई, यस ओके। चलिए अब यार CO2, अब टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज किया और CO2 बनाया। टिश्यूज के अंदर अगर मैं CO2 के बारे में बात करूं, किसकी बात करूं, CO2 के बारे में बात करूं, तो होती है 45 mm ऑफ HG, ठीक है, कितनी 45। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी चल रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है CO2 40, कितनी 40, तो यार इस CO2 ने देखा इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कि भैया ऊपर अभी ऑक्सीजन है 40 पे, मैं बैठा हूं 45 पे, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। फिर बेटा ये CO2 उठ के गया यहां और इसने यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कर दिया 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब पार्शियल प्रेशर हो चुका है CO2 का 45। ये चल के बेटा यहां तक गया, यहां तक गया लंग्स के पास तक गया, यानी कि यहां पर भी जो CO2 है वो कितना है 45। एल्वियोलाई में मैंने देखा, एल्वियोलाई में CO2 का वॉल्यूम था 40। अब जरा ध्यान देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, एल्वियोलाई में 40, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला जाएगा, चला गया बिल्कुल एल्वियोलाई तक CO2 पहुंच गया। अब जरा बाहर देखिए बेटा, बाहर देखिए, बाहर जब मैंने देखा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहेगा, कितना रहेगा 0.3 रहेगा, 0.3 रहेगा, तो यार 42.3 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से बना रही हूं CO2 का, 45 से CO2 आया पहले 40 पे, इसने 40 को बना दिया 45, फिर ये 45 चल के यहां तक पहुंचा, फिर बेटा 45 से निकला 40 और अल्टीमेटली पहुंच गया बाहर 0.3 पर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, गॉट इट मेरे बच्चों, पता चल गया। अब इसी चीज को एनसीईआरटी ने लिखा है लाइक दिस, लेट मी जस्ट शो यू, ये मेरे माइक्रो नोट्स है बेटा, माइक्रो नोट्स है,
जो जो वैल्यूज मैंने तुम्हें डायग्राम में बताई वो वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं, देख लो, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में. कैन यू सी? यस, कैन यू सी? जो जो वैल्यूज मैंने तुम्हें बताई वही है. यहां पर भी तुम देख सकते हो, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाई प्रेशर टू लो, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन गया 95, फिर 95 से जाएगा 40 में. अब जरा CO2 पे ध्यान दो, CO2 पे, टिश्यूज से आया ऑक्सीजनेटेड वाले पे 45 to 40, फिर इसने 40 को बना दिया 45, फिर बेटा डीऑक्सीजनेटेड से 45 to 40 एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से बाहर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये वैल्यूज याद करनी है, इस पे सवाल आता है. ये टेबल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. रट्टा मारने चलोगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से समझोगे जैसे मैंने बताया है, कभी भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं भूलेगा बेटा ये टेबल. तो ये बात हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. तो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से कहां जाता है, वो जाता है एल्वियोलाई टू टिश्यू, समझ गए, एल्वियोलाई से टिश्यू में जाता है. लेकिन जो CO2 है वो बनता ही टिश्यू में है, तो ये टिश्यू से कहां पर जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा. ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. रेडी है सब बच्चे? ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करूंगी, मजा आ जाएगा बेटा, कभी भूलेगा नहीं. CO2 का ट्रांसपोर्ट दुनिया को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, सीप मैम के बच्चे कभी नहीं बोल सकते कि हमें ट्रांसपोर्ट में मुश्किल है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हमें ODC बनाना नहीं आ रहा. इच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 100% क्लियर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर. नेक्स्ट 30 मिनट्स बेटा आपको मुझे देने हैं. कितने करने हैं? नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको मुझे देने हैं. ठीक है, दे दोगे? बताना जरा, सेशन को लाइक करके बताओ. नेक्स्ट 30 मिनट्स चाहिए बेटा मुझे. कैन यू गिव मी? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कराने वाली हूं. यस, चलो आ जाओ बेटा. आज शाम को मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें स्पायरोमीटर भी दिखाना. पहुंच जाना 5 बजे, 5 बजे आ जाना. आपको पता है ये लाइट हो ना हो, मैम क्लास जरूर लेती हैं. मुझे लग रहा है UPS ठीक हो गया, ऐसा मुझे अंदर से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी लाइट गई थी, UPS वॉज वर्किंग एंड हमारी लाइट नहीं गई, मतलब कट नहीं हुआ, तो हो सकता है हो गया. देखिए, ऑक्सीजन जो है दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना है. 3% जो ऑक्सीजन है वो जाता है डिजॉल्व्ड फॉर्म में, और डिजॉल्व्ड फॉर्म में जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा. हमेशा याद रखना है, डिजॉल्व्ड फॉर्म हो तो प्लाज्मा. बचा कितना? 97% जाएगा विद हीमोग्लोबिन. अब बेटा हीमोग्लोबिन क्या है? एक बस है. हीमोग्लोबिन क्या है? एक बस है. इस बस में कितनी सीटें हैं, मैं ना आपको बस दिखाती हूं. Can I show you the bus? ये रही बस. उड़ती हुई आ रही बेटा तुम्हारे पास. हीमोग्लोबिन एक बस है. ये रही बस. अब हम इसको क्या करें, हाँ सेव करते हैं. एंड सेव टू फाइल्स. ये आ गई बस. ठीक है, ये बस किसकी है? यस, हीमोग्लोबिन है बेटा. ये मान लीजिए बेटा, ये हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन है. इस बस में टोटल पता है कितनी सीट है? 4 सीटें हैं. 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट. यानी कि इस हीमोग्लोबिन नाम की बस में सिर्फ और सिर्फ, ये कौन है? अरे उत्कत. कौन है उत्कत? उत्कत बालक. इसको जिंदगी भर के लिए हाइड कर दे, कर देते हैं. चलो जी बेटा, उत्कत बालक अब नहीं आओगे. अब ये हीमोग्लोबिन की बस है. इस बस में टोटल कितनी सीटें दिखाई दे रही हैं? 4 सीटें दिखाई दे रही हैं. क्या तुम बैठना चाहोगे इस बस पे? नहीं बैठना चाहते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन की बस पे 4 सीटें होने का मतलब है टोटल यहां पर
चार ऑक्सीजन पूरे आ सकते हैं। अब यार मान लो ऑक्सीजन सवारी है, बस बस का कंडक्टर चिल्ला रहा है टिश्यू 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 टिश्यू, जैसे चिल्लाते नहीं पटियाला 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 ढिंडा 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 ढिंडा, ऐसे चिल्लाते हैं ना बस के कंडक्टर। तो यार यहां पर भी जो बस के कंडक्टर है, ऑक्सीजन कहां से कहां लेके जानी है, एल्वियोलाई तो टिश्यू, तो कंडक्टर कह रहा है टिश्यू 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 टिश्यू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिन्होंने टिश्यू टिश्यू से जाना है ठीक है आगे। अब लेने तो कितने, चार बंदे लेने, चार ऑक्सीजन लेने, क्या चारों के चारों ऑक्सीजन एक साथ अंदर जा सकते हैं? नहीं, कंडक्टर भाई कह रहे हैं एक टाइम पे एक ऑक्सीजन अंदर लेके जाने दूंगा। तो पहले एक ऑक्सीजन गया ठीक है, कहला पैर पैसे दो, इस ऑक्सीजन ने दिए पैसे, ठीक है पैसे ले लो भैया हमसे, चलो सानू। जब कंडक्टर को एक से पैसे मिले, एक के आने के बाद, फिर उसने कहा चलो अगला बंदा हो तुसी पैसे दो, उसने पैसे दिए, दूसरा बैठ गया, फिर अगला बंदा आया तीसरा, कह रहा तुसी भी पैसे दो, ठीक है मतलब कंडक्टर भरोसा नहीं कर रहा, पहले एक ऑक्सीजन बैठेगा फिर वो दूसरे की एफिनिटी बढ़ाएगा, तू भी बैठ जा, फिर बेटा दूसरा बैठेगा तीसरे की बढ़ाएगा, तीसरा बैठेगा चौथे की बढ़ाएगा, इस तरीके से एक एक करके ऑक्सीजन बैठना शुरू हो जाएंगे इस हीमोग्लोबिन की बस में, ठीक है एक साथ नहीं बैठते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, यस बच्चों ऐसा क्यों हुआ तुम बोलोगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास चार ही सीट्स हैं, चार ही सीट्स हैं। आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, अरे टिश्यू में कहां आ गए हम, हाँ यस बेटा, अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा अल्फा टू बीटा टू क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये मान लीजिए अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन है, इधर बेटा बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है, इन चारों चेन्स पर क्या प्रेजेंट है, हेम ग्रुप प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग हेम ग्रुप, यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां भी है, तो ये है हेम ग्रुप, हेम ग्रुप जिसके ऊपर क्या बैठा है आयरन। अब इस हेम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन किसके कितने ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो सकता है, तुम बोलोगे फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बिठा सकता है, ठीक है जी यस बिठा सकता है। तो यार ये बस में चढ़े कहां पर, आपको दो ऑप्शन है, आपके पास बेटा दो ऑप्शन है, एक है टिश्यू और एक है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन बैठा है, इसके पास यहां से यहां जाने के लिए क्या है, ब्लड वेसल है, तो यार हीमोग्लोबिन की जो बस है वो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन को चढ़ाएगी, यानी कि एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का क्या होगा, एसोसिएशन होगा। बस में सवारी बैठना कब स्टार्ट होगी, एल्वियोलाई के नजदीक स्टार्ट होगी, इस स्टेशन से शुरू होगा, फिर बेटा ये बस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, किसके पास जाएगी, टिश्यू के पास, टिश्यू के पास कंडक्टर बोलेगा चलो जी उतरो भाई उन और सवारियां लवांगे, तो यार अब टिश्यू के पास यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है याद रखना है, एसोसिएशन कहां हुई, एल्वियोलाई के पास, क्योंकि बस में चढ़ रहे हैं हम, अभी अभी आए हैं बाहर से और बस में चढ़ रहे हैं, और टिश्यूज के पास जाकर हम क्या कर देंगे, डिसोसिएशन कर देंगे, अलग हो जाएगा बस, अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा आपके टिश्यू के पास। अब एक एक करके होगा, मामला क्या होगा, एक एक करके होगा, एक एक यानी कि पहले HB4 जुड़ेगा एक ऑक्सीजन से, क्या बना लेगा HB4O2, ठीक है एक सवारी बैठ गई, अब HB4O2 में दूसरी सवारी बैठेगी, क्या बन जाएगा HB4O4, ठीक है अब HB4O4 में तीसरी सवारी बैठेगी, क्या बन जाएगा HB4O6, अब HB4O6 में चौथी और आखिरी सवारी बैठेगी, ये बन जाएगा HB4O8, इस HB4O8 को सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा HBO2, है ना, यानी कि हीमोग्लोबिन 100% कब सैचुरेट होगा, जब इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 25% सैचुरेशन है, ये 50% है, ये 75% है और ये 100% सैचुरेशन है, गॉट इट बच्चों, यस 100% सैचुरेशन यहां पर आकर हो गई है, राइट यस, मेरे साथ है यहां तक सारे बच्चे, Everyone is with me, एक बारी बता दो, क्योंकि अब मैं कराने वाली हूं ओडीसी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओडीसी, तो मैं एक बार टेलीग्राम पे बता दूं सबको कि भैया जिसने ओडीसी नहीं किया वो आ जाओ यस, ये ग्राफ सबको समझ नहीं आता है,
ये ग्राफ बेटा सबको समझ नहीं आता, सबके बस का नहीं है ये ग्राफ, ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे, ठीक है, हम इसको समझेंगे। आ जाओ भाई, आ गए, चलो। यस, स्टार्टिंग विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद बेटा मैं इतना डिटेल में ये कभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं, क्योंकि काफी समय लेके मैं इस इंपॉर्टेंट कर्व को एक्सप्लेन करने वाली हूं। सो एवरीवन, फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स जब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ODC करा रही हूं, किसी का ध्यान यहां से यहां नहीं होना चाहिए। सब अगर कमेंट में लिखेंगे तो मुझे लिखेंगे। ओडीसी इज नॉट ओबीसी बेटा, ये बच्चों की तो उन बच्चों की हालत सबसे टाइट है जो मुझसे पूछ रहे हैं ओडीसी की फुल फॉर्म क्या है। बेटा ओडीसी की फुल फॉर्म है क्या यार, क्या बताऊं, मतलब मैं कोई फनी फुल फॉर्म सोच रही थी, वैसे इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ओडीसी, ठीक है, फनी नाम मुझे याद नहीं आया, चलो। हाँ जी बेटा, यस, सबसे पहले हम करेंगे यहां पर एसोसिएशन के बारे में बात। एसोसिएशन जरा बताना, एसोसिएशन कहां होती है, और देन बात करेंगे डिसोसिएशन। तभी बेटा आप देखेंगे मैंने पिछले पेज पे ये रिएक्शंस रिवर्सिबल लिखी हैं, ये देखो ऑल दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों रिवर्सिबल लिखा है, क्योंकि एक साइड पे ये एसोसिएशन है, दूसरी साइड पे डिसोसिएशन है, मतलब एक जगह बॉडी में एसोसिएशन, बताओ सवारियां कहां चढ़ रही हैं, टिश्यू या एल्वियोलाई। तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एसोसिएशन होती है टिश्यू के पास, एल्वियोलाई के पास, है ना, एल्वियोलाई के पास, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डिसोसिएशन कहां होती है, टिश्यू के पास। एसोसिएशन का मतलब है रिएक्शन में HB प्लस O2 जुड़कर क्या बना देगा, HBO2 बना देगा। डिसोसिएशन का मतलब है HBO2 टूट रहा है और HB को ऑक्सीजन से अलग कर रहा है। अब याद रखना है बेटा, एसोसिएशन एक तरीके का प्यार है, देखो प्यार ही है, इनका मिलन हो रहा है, मिलन तभी होगा जब बेटा दोनों में प्यार बहुत ज्यादा होगा। एक लड़का लड़की शादी कब करते हैं, जब बेटा प्यार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, यानी कि एफिनिटी एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा है। तो ये प्यार, ये शादी, ये मिलन तभी हो सकता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो बहुत ज्यादा। देखो एक का प्यार तो ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो मिलन हो पाएगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है तब ये जुड़ जाते हैं, और कहीं प्यार कम हुआ, कहीं बेटा प्यार कम हुआ तो टूट भी जाता है रिश्ता, है ना, टूट भी जाता है रिश्ता। तो रिश्ता जोड़ना है तो प्यार बढ़ाना पड़ेगा, रिश्ता तोड़ना है तो प्यार कम कर दो, रिश्ता टूट जाएगा। जब भी, याद रखेंगे, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है इसके दुश्मन तैयार रहते हैं बेटा। जब जब प्यार ज्यादा होता है तो लड़की के पापा मम्मी भाई ये सब इसके अगेंस्ट है, सब अगेंस्ट होते हैं, उस प्यार को कोई मानता थोड़ा है, तो यार सब अगेंस्ट है, सब अगेंस्ट है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो याद रखना है सब इसके दुश्मन। CO2 कम होगा और CO2 के चेले भी सब कम होंगे, CO2 के चेले हैं, H पॉजिटिव भी क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, 2-3 BPG भी क्या होगा, कम होगा। ये चारों CO2 के चेले हैं, जैसा CO2 वैसे ही ये चारों। अब यार H पॉजिटिव कम का क्या मतलब है, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो pH क्या है, ज्यादा, pH क्या है, ज्यादा, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं एसोसिएशन की। डिसोसिएशन देख लो, डिसोसिएशन तब होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, CO2 के चेले भी ज्यादा है, CO2 के चेले H पॉजिटिव भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, और 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी क्या है, ज्यादा है। H पॉजिटिव ज्यादा यानी कि pH क्या है, कम। ये कंडीशंस आपको रट्टा नहीं मारनी है, समझनी है, रट्टा नहीं मारनी है, समझनी है, ठीक है जी। ये सल्लू यादव को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भैया इनका गुस्सा शांत करो, गुस्सा जरा शांत किया जाए। अब इसी इंफॉर्मेशन को बेटा आई एम गोइंग टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ। ये मैं ग्राफ ले रही हूं यहां पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक एक्सिस पे मैं लूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर लूंगी, और इधर लूंगी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन,
परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसकी शेप किस तरीके की है, सिग्मोइड शेप। सिग्मोइड शेप का मतलब है द ग्राफ विल बी लाइक दिस, फ्री हैंड। क्या मतलब है इसका कि यार फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आने का मतलब है कितना सैचुरेशन है, 25%। हीमोग्लोबिन के ऊपर चार सीटें हैं ना, दो ऑक्सीजन आया, दो ऑक्सीजन आने का मतलब कितना सैचुरेशन है, 50%, ठीक है। तीन ऑक्सीजन आया मतलब कितना सैचुरेशन है, 75%, और चार ऑक्सीजन तो मैक्सिमम है, कितना सैचुरेशन हो गया, 100%। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक ऑक्सीजन, ये देखो एक्सटेंड कर लो, मैं बाद में रब कर दूंगी बेटा, ये 25%, 50%, 75%, ठीक है, एंड 100%, ठीक है, 100%। ये 25% सैचुरेशन कब होगा, यहां लिख लो 25, जब एक ऑक्सीजन बैठ जाएगा हीमोग्लोबिन पे। 50% सैचुरेशन कब होगा, जब दो ऑक्सीजन बैठेंगे। 75% सैचुरेशन कब होगा, जब तीन ऑक्सीजन बैठेंगे। और 100% सैचुरेशन कब होगा, जब चार ऑक्सीजन बैठ जाएंगे। मुझे इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, सिर्फ 50% से है, सिर्फ किससे है, 50%। ये 50% वाले को हाईलाइट कर रही हूं। 50% सैचुरेशन होने का मतलब है दो ऑक्सीजन बैठ चुके हैं, उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, उस समय जो पार्शियल प्रेशर होता है इसको बोलते हैं P50। क्या बोलते हैं, P50, एंड द वैल्यू ऑफ P50 इज 27, अप्रोक्सीमेटली 27 mm ऑफ Hg। बाकी मैं रब कर रही हूं, बाकी बेटा कंफ्यूजन देंगे इसीलिए मैं रब कर रही हूं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, बाकी मैं रब कर रही हूं, ठीक है। यस, गॉट इट। 50% सैचुरेशन जिस पार्शियल प्रेशर पे होती है, उस पार्शियल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं 27 mm ऑफ Hg, दैट इज कॉल्ड एज P50। क्या बोलते हैं, P50। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये बनाया गया है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7.4 pH ऑफ ब्लड, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके का सिग्मोइड कर्व मिलता है। क्या है सिग्मोइड कर्व, क्या है बच्चों, सिग्मोइड कर्व है, यस, ठीक है, इज इट राइट, इज इट राइट। ये 50 यहां से हटा दो, परसेंटेज सैचुरेशन 50%, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो कर्व है ये राइट और लेफ्ट की तरफ जाता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, कब राइट की तरफ जाएगा, कब लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो मेरे साथ बनाइए जरा इस कर्व को, लेकर जाते हैं शिफ्ट टू राइट, कर दो ये शिफ्ट टू राइट है। सोच के बताओ P50 वैल्यू बढ़ी या कम हुई, अगर मैं इस ग्राफ को शिफ्ट टू राइट कर दूंगी, P50 बढ़ी या कम हुई, P50 वैल्यू बढ़ी या कम हुई, ये लो राइट कर दिया। यस, जय श्री राम बेटा, हां जी हां जी, मंदिर है ये, यस मंदिर है, बताओ हैं बढ़ी या कम हुई। भैया दिमाग लगाओ, ग्राफ इतने पढ़ते हो तुम फिजिक्स में, अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दोगे तो यहां आ जाएगी P50। P50 बढ़ गई, कम नहीं हुई बच्चों, नलायकों, क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, एक्सटेंड करके देखो ना उस वैल्यू को, ये 50 है, इसको एक्सटेंड करके देखा, P50 वैल्यू तो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी कि जब आप ग्राफ को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट, ये रहा, तो यार यहां पर जो P50 की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और अगर आप ग्राफ को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, कहां शिफ्ट करते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये देखो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यार P50 की वैल्यू कम हो जाएगी। शिफ्ट टू राइट विल इंक्रीज, शिफ्ट टू लेफ्ट विल डिक्रीज, ठीक है जी, यस। अब ये जो P50 है, P50 है, दैट इज एक्चुअली बेटा, ये जो P50 है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। क्या मतलब है इसका, अगर आप P50 की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इसको समझो, P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब है अब हायर पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन अचीव होगा। पहले जो 50% सैचुरेशन होता था वो 27 mm पे हो जाता था, लेकिन अब अगर P50 की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा, यानी कि अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत का मतलब है प्यार कम होता जा रहा है,
जब प्यार में बेटा एफर्ट आ जाता है, फ्लोलेस नहीं होता, तब वो प्यार किसी काम का नहीं है, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर P50 की वैल्यू कभी बढ़ती है तो प्यार कम हो गया है, मतलब क्यों? क्योंकि अब मेहनत ज्यादा लगेगी उसी P50 सैचुरेशन को अचीव करने के लिए, 50% सैचुरेशन को। यानी कि P50 अगर ज्यादा है तो प्यार क्या है? कम है। प्यार कम मतलब ये अलग होना चाहते हैं। P50 वैल्यू कम है मतलब एफिनिटी क्या है? ज्यादा। ये बात समझ आई? P50 वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है नाउ हायर पार्शियल प्रेशर पहले करो तो 50% सैचुरेशन मिलेगा। कम होने का मतलब है कि यार अभी 27 में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले 50% हो गया, मतलब प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। इसका मतलब है दैट P50 इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी। अब कर लेते हैं शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट। बना तो मैंने लिया ही है, बस लिखना बाकी है। तो कहां लिखूं? अगले पेज पे लिख दो। यस, अगले पेज पे लिख दो। हां आ जाओ, शिफ्ट टू राइट। ग्राफ देखते जाओ, तुम ग्राफ देखते जाओ। इस ग्राफ को उठा के मैं यहां भी रख देती हूं। रुके, लेट मी जस्ट पिक होल ग्राफ। नहीं, पूरे को नहीं, बस इसको उठाते हैं। यहां देखते जाओ बेटा, ये मैंने साइड पे रख दिया ग्राफ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। शिफ्ट टू राइट, ये देखिए बेटा हमने क्या किया। सबसे पहले बेटा मुझे लग रहा है मैंने कट कर दिया था, कॉपी करना था। ओहो, शिफ्ट टू राइट देखिए बेटा, शिफ्ट टू राइट जब देखा तो आपने P50 वैल्यू क्या कर दी? बढ़ा दी। तो मैं लिख देती हूं यहां पर P50 की वैल्यू क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। P50 वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है एफिनिटी क्या हो गई है? एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। एफिनिटी डिक्रीज होने का मतलब है अब बीच में दरारें आ रही हैं, प्यार कम हो गया है। प्यार कम होने का मतलब है यहां क्या होगी? डिसोसिएशन, इनका तलाक हो जाएगा। डिसोसिएशन होगी। डिसोसिएशन कब होती है? आपको पता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। CO2 के चमचे भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और ये डिसोसिएशन कहां पर होती है? तुम बोलोगे ये डिसोसिएशन हम देखते हैं टिश्यूज में। समझे? दोनों को लिंक कर दिया मैंने, दोनों को लिंक कर दिया। गॉट इट? कि जब बेटा ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, P50 बढ़ा तो एफिनिटी कम हुई। एफिनिटी कम हुई मतलब डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन की कंडीशंस मैंने पहले लिख ली थी। ठीक है, अब इससे उल्टा क्या है? शिफ्ट टू लेफ्ट। इससे उल्टा क्या है बेटा? शिफ्ट टू लेफ्ट। गॉट इट? हां जी, शिफ्ट टू लेफ्ट जरा करो, शिफ्ट टू लेफ्ट। ये शिफ्ट टू लेफ्ट में P50 की वैल्यू ओरिजिनल से कम हुई। P50 वैल्यू कम, P50 लेस हुआ। P50 लेस तो एफिनिटी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। एफिनिटी ज्यादा, प्यार बढ़ गया। प्यार बढ़ गया तो एसोसिएशन हो गया, और एसोसिएशन की कंडीशन सबको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, CO2 के चमचे भी क्या होते हैं? कम होते हैं। 3 चमचे बेटा CO2 के, 3 चमचे हैं। 2-3 BPG भी क्या होता है? कम होता है। और pH इज डिपेंडेंट ऑन H पॉजिटिव। यस गाइस, यस बच्चों, बताना क्या ये समझ आया? शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट। ये जो शिफ्ट टू राइट वाली सारी कंडीशन है ये बोहर ने एक्सप्लेन की थी, इसीलिए इसको बोला जाता है बोहर इफेक्ट। क्या बोला जाता है? बोहर इफेक्ट। ये टिश्यूज के पास हो रहा है, ये एल्वियोलाई के पास हो रहा है। यानी कि जब राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज शोइंग डिसोसिएशन जो कि टिश्यू के पास हो रहा है। और ये जो अपने लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस इज शोइंग एसोसिएशन, है कि नहीं? एसोसिएशन जो कि एल्वियोलाई के पास होता है। यस, तो ये है ODC, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तुम्हें कंडीशंस में ही इधर उधर घुमाएंगे, तुम्हें कंडीशंस में ही घुमाएंगे। तुमने ग्राफ को समझ लिया, P50 आगे पीछे कर लिया, ये टेबल तुमको याद रहा, और ये टेबल तुमने समझ लिया, रट्टा नहीं मारना, समझ लिया तो सब कुछ समझ सकते हो तुम। यस, कह रहे हैं ग्राफ याद रखना जरूरी है, इमरान खान कह रहे हैं ग्राफ याद रखना जरूरी है। बेटा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं पूछ रहे डॉक्टर बनना जरूरी है? ना, कुछ जरूरी नहीं है, छोड़ दो, मत बनो। क्यों बन रहे हो डॉक्टर? छोड़ दो ना, छोड़ दो, क्यों बन रहे हो? ये मिस्टर आदित्य मिश्रा तो यहां से बाहर हो जा रहे हैं जिंदगी भर के लिए। ठीक है बेटा,
अब तुम ना फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कमेंट नहीं कर पाओगे। ये जो इधर आ रहे हैं एक ये झंडा लेके आ रहे हैं, जो झंडे वाले को भी जरा निकाला जाए। हाँ बेटा अब बोलो। सो विद दिस वी आर डन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने कर लिया है, ओडीसी भी हमने कर लिया है। अब यार तुम्हें दो तरीके का हीमोग्लोबिन पता है। एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं HbA। एक हीमोग्लोबिन बेटा फीटस में भी होता है जिसको फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, दैट इज HbF। अब हमेशा याद रखना है HbF ऑक्सीजन से तेजी से बाइंड करेगा, यानी कि एफिनिटी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, एफिनिटी ऑफ HbF टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर towards oxygen is more than affinity of HbA towards oxygen। तो जरा बताइए अगर HbA का ग्राफ ये है, HbA का ग्राफ ये है, तो HbF का ग्राफ लेफ्ट पे बनाऊं या राइट पे बनाऊं, बताना। कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी। मैं कह रही हूं एफिनिटी HbF की ज्यादा है, HbA की कम है। एफिनिटी कम ज्यादा यानी कि प्यार, मतलब अगर सामने ऑक्सीजन है और इधर HbF और HbA खड़े हैं तो कौन जल्दी ऑक्सीजन को लिपट लेगा? HbF लिपट लेगा क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा है। अगर HbA का ग्राफ ये है तो HbF लेफ्ट साइड पे बनेगा या राइट साइड पे बनेगा? यस बच्चों, HbF लेफ्ट साइड पे बनेगा या राइट साइड पे बनेगा, बताना। ओके यस, देखो जिसका एफिनिटी ज्यादा होता है, एफिनिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P50, यानी कि इसका P50 वैल्यू कम है। नॉर्मल P50 अगर ये है, इससे कम P50 मुझे करना है तो यार मुझे ग्राफ कहां बनाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड पे बनाना पड़ेगा। यस, ये ग्राफ हो जाएगा HbF का। तो P50 अगर तुम्हें दिया है या एफिनिटी दी है तो तुम यहां से निकाल सकते हो। देखो लेफ्ट साइड पे होगा तभी तो P50 कम होगा, तो तुम्हें ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल भी दे सकते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन। आपने कभी हीमोग्लोबिन चेक कराया? आप हीमोग्लोबिन चेक कराने चलेंगे तो अराउंड 14-16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। किसका हीमोग्लोबिन? लड़कों का जनरली 15 ग्राम निकल आता है, लड़कियों का तो अनिमिया में लेस देन 10, 7, 6, 8 चलता है। ठीक है, अगर बहुत हेल्दी लड़की है तो यार उसका पहुंचता है 13-14 तक, बट जनरली द एवरेज वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज 14-16। वो क्या यहाँ पे सुई घुसाते हैं, इस जगह पे छोटी सी सुई घुसाएंगे, फिर वो ले जाएंगे उसको सब करेंगे और सारा अंदर ले जाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू इतनी होती है। इसका मतलब है 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ले लेते हैं, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो यानी कि 1.34 × 15 करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज? कैलकुलेशन समझिए कि हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है 100 ml में। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml लेके जाता है तो 100 ml में कितना है? 15 ग्राम है, तो कितना ऑक्सीजन जाएगा 100 ml में? तो तुम बोलोगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे समवेयर अराउंड 20.1 ml, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन कैरी होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है? 19.4 ml आती है। ये देखा गया है आर्टीरियल ब्लड में इतना ऑक्सीजन घूम रहा है। जब वीनस ब्लड में देखा तो मुझे 14.4 ml ब्लड मिला, ऑक्सीजन मिला। समझ रहे हो? आर्टरी में 19.4 ऑक्सीजन है, वेन्स में 14.4 है, तो बचा वो किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। यानी कि इन दोनों को सब्स्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि आपने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो टिश्यू को दिया कितना दिया? गिवन टू टिश्यू, आर्टरी में 19.4 आया, वेन में 14.4 गया, यानी कि 19.4 माइनस 14.4 अराउंड 5 ml पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन आपके ब्लड में से पहुंच गया है टिश्यू के पास। समझ रहे हो? 5 ml हुआ ना, 5 ml हुआ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है,
और ये एक फैक्ट है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो यार 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 20.4। आर्टेरियल ब्लड में एक्चुअल वैल्यू 19.4 है, वीनस ब्लड में 14.4 है, यानी कि इनका सब्स्ट्रैक्ट करेंगे इतना ऑक्सीजन आपके टिश्यूज तक पहुंचता है, टिश्यूज तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। यही बेटा पूछते हैं कि CO2 कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, तो वो 4 ml है और इसकी वैल्यू ऑक्सीजन की क्या है, 5। हाय गाइस, कैन यू हियर मी? बेटा मैं कबीर सिंह बन के, मेरे पास बुलेट तो नहीं है, मेरे पास एक्टिवा है, मैं स्कूटी पे बैठकर इतनी देर में होकर भी आ चुकी हूँ, ठीक है। कबीर सिंह बन गई थी और वैसे ही जैसे वो होली में गुस्से में जाता है वैसे ही मैं गुस्से में गई हूँ, बिजली विभाग से मिलकर आई हूँ, और आपको पता है मेरे पीछे UPS वाले भैया भी बैठे थे, उनको भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितने मुझे आ रहा था, ठीक है। तो हमने बोला, अरे भाई बाहर निकल, कौन है जिसने मेरे मीटर से छेड़छाड़ की, बाहर निकल। और फिर उसे 2-3 हमने हॉकी भी मारी और उसके बाद हम ठीक होके आ गए। इट वॉज अमेजिंग टू चैट विद यू। आप लोग क्या क्या लिखते हैं चैट में, मैं वो देख के हैरान हूँ है ना, चैट में क्या क्या लिखते हैं मैं देख के हैरान हूँ। तो यार ऐसे चैट करते रहेंगे हम, ठीक है, ऐसा चैट हम करते रहेंगे। यस, तो जो बच्चे सुन रहे थे, चैट कर रहे थे, उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो बच्चे दौड़ गए थे है ना, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उनसे बात कर ही नहीं रही हूं। चलो थोड़ा सा ही बचा है। अब मैं चाहती तो बेटा इसको बंद करके कह सकती थी कि भैया ठीक है बाकी तुम पढ़ लेना, मेरे पास नोट्स तो हैं ही, नोट्स से पढ़ लेना, बट बेटा मैं उस टाइप की हूं नहीं। आई एम ऑल्सो लिटरली स्टैंडिंग हियर फॉर लास्ट 3 आवर्स, 12:45 से अब 3 बजने वाले हैं। तो आई रियली वॉन्टेड कि जब मैंने बोला है कि मैं कराऊंगी, कोई आंधी तूफान बिजली एयर वाटर एबायोटिक बायोटिक फैक्टर कोई बीच में आ जाए, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। आज फटाफट से खत्म करते हैं, लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, CO2 का यार ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। डिसॉल्व फॉर्म में भी होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, डिसॉल्व फॉर्म में होता है 7%। अब आप देखकर बताइए कि ऑक्सीजन का डिसॉल्व फॉर्म में 3% होता था, CO2 का 7% होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यार सॉल्युबिलिटी जो है ना वो CO2 की ज्यादा है। Solubility of CO2 is highly more than oxygen. कितना? 20 to 22 times solubility CO2 की ज्यादा होती है, इसलिए dissolved form में 7% है, वो 3% था। बाकी बेटा 20 to 25 जो है परसेंट, 20 to 25% जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। CO2 प्लस हीमोग्लोबिन फॉर्म्स, कार्बोक्सी नहीं लिख के आना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके साथ जाता है। आपको याद रखना है कि हेम में, हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हेम ग्रुप, एक होता है ग्लोबिन ग्रुप। हेम ग्रुप के साथ तो ऑक्सीजन बैठता है, ठीक है, लेकिन ग्लोबिन ग्रुप के साथ कौन जाता है? CO2 जाता है, याद रखना है, उसके हेम के साथ नहीं जुड़ता, ग्लोबिन के साथ जुड़ता है। बाकी बेटा बचा हुआ 70% CO2 जाता है विद इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स। तो ये परसेंटेज आप अच्छे से याद रखिएगा, परसेंटेज याद रखिएगा, डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बायकार्बोनेट वाले को। बायकार्बोनेट का क्या मतलब है? बायकार्बोनेट का मतलब है कि CO2 को जब मिलता है पानी, तो यार ये क्या बना देता है? ये बना देता है H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है CA। CA क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगी अभी,
मैं बेटा इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगी, देन बेटा H2CO3 आगे जाके टूट जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। ये जो HCO3 नेगेटिव है, ये जो HCO3 नेगेटिव है, इस फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट होता है। तो कर ले फटाफट से ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 लेना कहां से है, पिकअप कहां से करना है CO2 का, टिश्यूज से। तो मान लीजिए बेटा ये क्या है, ये टिश्यू है, टिश्यू रेस्पिरेशन करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। CO2 बनाया, ये टिश्यू इस CO2 को किसके पास भेज देंगे, ये मैं बना रही हूं ब्लड वेसल, ये देखिए ये मैंने बनाई ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में बेटा ये CO2 पहुंच गया, ब्लड वेसल में बेटा जी ये CO2 पहुंच गया। इस ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद, इस ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद जो 7% है वो तो प्लाज्मा में बैठा रहेगा, 7% प्लाज्मा में बैठा रहेगा, बचा हुआ बाकी कहां जाएगा, आरबीसी में जाएगा। तो मैं आरबीसी बना लेती हूं, वैसे तो रेड कलर के होते हैं बट मैं यहां पर पिंक कलर के बना रही हूं, देख रहे हो, आरबीसी मैंने यहां पर बना लिया है, ठीक है, आरबीसी बना लिया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यस आरबीसी बना लिया। बचा हुआ CO2 किसके पास जाएगा, आरबीसी के पास जाएगा, तो भेज देते हैं, भेज दें, चलो रेस्ट ऑफ द CO2 वेंट इनसाइड, CO2 गया, CO2 को बेटा आरबीसी के अंदर क्या मिला, H2O, और आरबीसी के अंदर CA की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मात्रा ज्यादा होती है, प्लाज्मा में भी होता है बट आरबीसी में ज्यादा होता है, तो यार आरबीसी के अंदर बन जाता है H2CO3। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना। फिर बेटा ये H2CO3 आगे जाकर टूटेगा और क्या बना लेगा, HCO3 नेगेटिव बना लेगा, और क्या बना लेगा, H पॉजिटिव बना लेगा। ये जो बेटा जी H पॉजिटिव बना है, ये H पॉजिटिव जाके हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी है उसके साथ जाकर जुड़ के क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगा, HHB, क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगा। बचा क्या अपने पास, HCO3 नेगेटिव बचा। ये HCO3 नेगेटिव बेटा इट विल कम आउटसाइड ऑफ आरबीसी, आरबीसी से बेटा ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद इस HCO3 नेगेटिव को मिलेगा सॉल्ट। अब यार प्लाज्मा में सॉल्ट तो होता ही है, NaCl मिला, क्या बना, NaHCO3 मिला, बना, और क्या बना बेटा यहां पर, Cl नेगेटिव बना। अब यार नेगेटिव चार्ज आरबीसी से बाहर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आरबीसी से बाहर आ रहा है, तो यार डिस्टरबेंस हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज बेटा बाहर आ रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज को अंदर भी डालना पड़ेगा, हमें एक नेगेटिव चार्ज को अंदर भी डालना पड़ेगा। इस शिफ्ट को जिसमें हम क्लोराइड आयन को अंदर भेजते हैं, इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लोराइड शिफ्ट। क्यों हुई, क्योंकि HCO3 नेगेटिव बाहर आया तो हमें एक नेगेटिव चार्ज अंदर भेजना पड़ा, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा अब NaHCO3 बन चुका है, ये NaHCO3 की फॉर्म में प्लाज्मा में CO2 किसके पास पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई के पास, क्योंकि वहीं से हमने क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है। तो यार यहां पर अपने ने बात कर ली कि पिक कैसे हुआ, CO2 को पिक कैसे किया क्या। अब बेटा यहां से CO2 इस फॉर्म में चला जाएगा किसके पास, एल्वियोलाई के पास। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं एल्वियोलाई, ये मैंने बना लिया एल्वियोलाई, ठीक है। अब इस एल्वियोलाई को हमने वापस इस CO2 गैशियस फॉर्म में देना है, तो फिर से यहां बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, आरबीसी बना लेंगे, बना ले आरबीसी फिर से। चलो ध्यान से समझना गाइस, एक एक पॉइंट अगर तुम समझोगे तो रिएक्शन कोई टफ नहीं है। अब एल्वियोलाई के नजदीक वाला आरबीसी हमने बनाया, अब क्या होगा बेटा, जब हम एल्वियोलाई के नजदीक पहुंच चुके हैं, ये जो NaHCO3 है ये टूटेगा, आर यू फॉलोइंग मी, ये जो NaHCO3 है टूटेगा, तोड़ दो NaHCO3 को, तोड़ दो, क्या बन गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया और HCO3 नेगेटिव अलग हो गया। इस HCO3 नेगेटिव को हम अंदर लेकर जाएंगे, HCO3 नेगेटिव को अंदर लेकर गए, यहां पर हमने HHB भी तोड़ा, HHB तोड़ा तो हीमोग्लोबिन अलग हो गया और H पॉजिटिव अलग हो गया, ये वाला H पॉजिटिव अब इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो H पॉजिटिव। जब बेटा हमने HCO3 नेगेटिव को H पॉजिटिव दिया तो क्या बन गया, H2CO3 बन गया। फिर बेटा इस H2CO3 को फर्दर तोड़ दिया, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। फिर बेटा इस CO2 को हम दे देंगे एल्वियोलाई को, यस, फिर इस CO2 को दे देंगे एल्वियोलाई को, यस बेटा बताओ, सारी रिएक्शंस रिवर्स है, सारी रिएक्शन रिवर्स है। ऊपर जो मैंने रिएक्शन की थी ये सब बनाने की, नीचे जो मैं रिएक्शन कर रही हूँ ये सब तोड़ने की। जब HCO3 नेगेटिव अंदर आया तो जो क्लोराइड आयन थे उसको बाहर भेजना पड़ेगा, है ना, जो क्लोराइड आयन डाले थे इनको बाहर भेजो, क्लोराइड आयन जब बाहर आएंगे इसको अपन लोग बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट।
क्या बोलते हैं? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं. गॉट इट बेटा? इस रिवर्स, ये जो पूरा रिवर्स वाला रिएक्शन हुआ है, इस पूरे इफेक्ट को बोला जाता है होल्डेन इफेक्ट. दिस होल इफेक्ट इज कॉल्ड एज होल्डेन इफेक्ट. तो एक है बेटा जी बोहर इफेक्ट, जो हमने वहां पर पढ़ा था ओडीसी में, ये है होल्डेन इफेक्ट. होल्डेन इफेक्ट बताता है कि किस तरीके से रिएक्शंस रिवर्स हो रही हैं और CO2 आ रहा है अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एंड देन बेटा इट इज कमिंग टू द एल्वियोली एंड गेटिंग एक्सक्रीटेड. ठीक है, अब बात करें कितना CO2 एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है. तो आपको याद रखना है 100 ml ऑफ ब्लड में टोटल 4 ml ऑफ CO2 बेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एल्वियोली. ठीक है, एंड एवरेज अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव्ड, कितना रिमूव करते हैं हम लोग अपने नाक से? 200 ml पर मिनट रिमूव करते हैं. बेटा ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, 2022 में ही था, 2022 या 1 में, 4 ml वाला CO2 के बारे में आया था. बच्चे क्लिक करके आए थे 5 ml. बेटा 5 ml वैल्यू है ऑक्सीजन की जो टिश्यूज को मिलता है, 4 ml वैल्यू है CO2 की जो एल्वियोलाई को मिलता है. यस, ठीक है, क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो बताओ, क्या बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बातें? डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक इन बिटवीन. लास्ट टॉपिक बेटा हमारा बचा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यहां से बता दूं, ये डीपीपी है, ये अपने शॉर्ट नोट्स हैं, माइक्रो नोट्स से बताती हूं. ये बता दिया, ये बता दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बता दिया, ऑक्सीजन हो गया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया. हाँ, ये देखिए बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यहां से कर ले. हाँ जी, देखना जरा, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जिनकी लोकेशन और फंक्शन मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. प्लीज पे अटेंशन, ये सारा माइक्रो नोट्स, डीपीबी डिटेल नोट्स, माय हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, मेरे ही नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से जाके आप ले सकते हैं. फेक ग्रुप भी है, फेक ग्रुपों में मत आना, दो ही मेरे ओरिजिनल ग्रुप है. चलो, रेस्पिरेटरी सेंटर, सबसे पहला जो सेंटर है दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको हम लोग इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं. लोकेशन क्या है बेटा इसकी? मेड्यूला ओब्लोंगेटा. कहां पर है? आरआरसी बोलते हैं बेटा इसको. यस, क्या बोलते हैं? आरआरसी भी बोलते हैं. इसकी लोकेशन है मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी ब्रीदिंग. इनवॉलंटरी, देखो ब्रीदिंग ना वॉलंटरी भी होती है, इनवॉलंटरी भी होती है. वॉलंटरी ब्रीदिंग जैसे आप करते हैं जब स्विमिंग पूल में होते हैं, स्विमिंग पूल में आप चाहकर सांस ले रहे हैं कि अब सांस अंदर लेंगे फिर रोकेंगे, जिसको स्विमिंग आती है. जैसे प्राणायाम जब आप करते हैं तो वॉलंटरी ब्रीदिंग है. वॉलंटरी ब्रीदिंग ये कंट्रोल नहीं करते. वॉलंटरी ब्रीदिंग मैं लिख रही हूं वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है. वॉलंटरी ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम. यहां पर जो रेगुलेशन है ये इनवॉलंटरी ब्रीदिंग की है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अब सांस आ रही है, आप थोड़ा कंट्रोल करोगे. दिस इज कंट्रोल्ड मेजरली बाय आरआरसी. आरआरसी इज लोकेटेड इन मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ये क्या करता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है. क्या हो गया? सांस ले रहे हैं कि अब सांस अंदर लेंगे. ठीक तो है आवाज, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट सेंटर इज गोइंग टू बी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, विच इज लोकेटेड इन पॉन्स. पी फॉर न्यूमोटैक्सिक, पी फॉर पॉन्स. ये बेटा आरआरसी के फंक्शन को ही मॉडरेट करती है. लाइन बहुत बारी पूछी जाती है, नेम द सेंटर विच मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ आरआरसी. तो आप बोलेंगे दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. आल्सो इट ऑल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द इंस्पिरेशन ड्यूरेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया, ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करती है. क्या मतलब है इसका? आपकी ब्रीदिंग फास्ट हुई या स्लो हुई तो तुम बोलोगे इसका मतलब है कि आपने तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया. ब्रीदिंग क्या हो गई आपकी? फास्ट हो गई. शैलो ब्रेथ, डीप ब्रीथ तो नहीं कर पाओगे ना, शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सेंटर जो आपका है वो कीमो सेंसिटिव एरिया है. कीमो सेंसिटिव एरिया बिल्कुल इसके पास प्रेजेंट है आरआरसी के. ये बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड आपका एच पॉजिटिव. इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है. जब ये केमिकल कीमो सेंसिटिव एरिया देखेगा कि यार CO2 और H+ की मात्रा ज्यादा है तो ये इंस्पिरेशन कराएगा. देखो अगर CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए इनसेंसिटिव है, इसको ऑक्सीजन का नहीं पता चलता है. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या इंस्पिरेशन तब होगी जब ऑक्सीजन कम है? नहीं, इंस्पिरेशन तब होगी जब CO2 ज्यादा है. मतलब कहने का सेम ही है, तात्पर्य सेम है, लेकिन लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा? CO2 से पड़ेगा. तो कीमो सेंसिटिव इज सेंसिटिव ओनली टू CO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन. अगर बेटा CO2 बढ़ता है
तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके रिसेप्टर आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्च में प्रेजेंट है। ये आरआरसी को सिग्नल देंगे जिससे आपकी इंस्पिरेशन होगी। समझ रहे हो? ये ऑक्सीजन के लिए इनसेंसिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के कम होने से इनको कोई फर्क नहीं है, CO2 के ज्यादा होने से बहुत फर्क है। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन का रोल इन रेगुलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। यही तो मैं लाइन तुम्हें कह रही हूं, यही लाइन बेटा मैं तुम्हें कह रही हूं कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, इनसफिशियंट है। ठीक है, चलो ये हो गया, ये रिपीट हो गया, ओहो ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर पे ध्यान दीजिए। पहला डिसऑर्डर अपने पास क्या है, एस्मा। एस्मा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इट इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और वीजिंग का मतलब होता है सांस लेते हुए आवाज आना। आपने देखा होगा जिनको एस्मा होता है, एस्मा वाले लोग एक इनहेलर टाइप लेकर घूमते हैं साथ में। तो ये इनहेलर क्या है एक्चुअली में, आजमा होता क्या है? यस, कभी सोचा है कि एक्चुअली में कैसा होता है आजमा? बेटा एक तरीके से ना एलर्जिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक तरीके की एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी आपको पता है किस वजह से होती है, हिस्टामिन। वैसे तो वैसोडाइलेटर है पर बेटा ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है। अगर आपके ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पैसेज में प्रॉब्लम आएगी, सांस आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर एक्चुअली एस्मेटिक पेशेंट का प्रॉब्लम है। तो जो वो इनहेलर लेके घूमते हैं उसमें एक्चुअली एंटी हिस्टामिन होते हैं। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली एंटी हिस्टामिन है। तो उनके इन्फ्यूजर्स में, इनहेलर्स में एंटी हिस्टामिन होता है जो कि बेटा हिस्टामिन के इफेक्ट को काटेगा और उनको फिर से सांस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई एस्मा। ये देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोंकियोल कैसा है और एस्मेटिक ब्रोंकियोल कैसा है। ये देखो किस तरीके से एस्मेटिक ब्रोंकियोल है, छोटा हो गया ना पाथवे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गई। ये देखो इन्फ्लामेशन हो गई, पैसेज कम हो गया, एलर्जी हो गई। चलिए नेक्स्ट, फूफू वाला, ये हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है क्योंकि फूफू करने से एम्फाइसिमा हो जाता है। एम्फाइसिमा इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल एग्जामिनर्स। एम्फाइसिमा बेटा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है। इसमें होता क्या है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होती है। देखो एस्मा में इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स की, ये टर्म याद रखना। और एल्वियोलर वॉल डैमेज होना किसमें है, आपके एम्फाइसिमा में। यहां पर अगर तुम देखोगे ये नॉर्मल ब्रोंकियोल है और यहां पे बीच में वॉल ही गायब हो चुकी है, अफेक्टेड एल्वियोलाई है विच इज बाय एम्फाइसिमा। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। हाँ, एम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट हमें दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। ट्रीटमेंट के लिए हमने बनाया एक शीप, ट्रांसजेनिक शीप बनाई जिसका नाम है ट्रेसी, याद है? ट्रेसी इज ट्रांसजेनिक शीप, जिससे हम एक प्रोटीन लेते थे जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। दिस इज यूज इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसिमा। ठीक है, तो इसको मैंने लिंक कर दिया आपके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाले चैप्टर पर। ओके, चलो तो ये बात हो गई एम्फाइसिमा की। एम्फाइसिमा के आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये जनरली बेटा उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां ऑक्यूपेशन में, यू नो, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो, माइनिंग में काम करते हो, बहुत धुआं है, डस्ट है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर है। इंडस्ट्रीज जैसे कि ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, तो बड़ा लॉन्ग एक्सपोजर होता है फ्यूम्स के लिए, डस्ट के लिए, जिसकी वजह से आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट करने लगता है, जिससे सीरियस लंग डैमेज होता है। तो इसके प्रिकॉशन में क्या है, मास्क पहनिए। टू टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, दे आर सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस मतलब लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सिलिका की वजह से और ये एस्बेस्टोस की वजह से। कुछ और डिसऑर्डर बेटा मैं यहां पर बताना चाहूंगी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यहां लिख दूं, कहां लिखूं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बेटा समझिए, सबसे ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कभी भी अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जैसे अंगीठी में होता है कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कौन सी गैस बनेगी, तो
तो बेटा कौन सी गैस बनेगी आप जानते हैं, कार्बन मोनोक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोक्साइड लिपट जाएगी हीमोग्लोबिन से क्योंकि इसकी मैक्सिमम अफिनिटी है, मैक्सिमम एफिनिटी है, ठीक है। जब ये COHB से लिपट जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाएगा, कार्बोक्सी। और बेटा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल लाइक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब बेटा इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पे लटक जाएंगे सारे ऑक्सीजन, ऐसे लटक जाते हैं भैया, जब ऑक्सीजन सारे जाकर उस पर लटक लिए तो बचे हुए हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, यानी कि उस पर्सन में ऑक्सीजन की हाईली डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, बहुत कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, जिस वजह से इट विल लीड टू, पहले बेहोश होगा वो आदमी, बेहोश होने के बाद भी अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई अ साइलेंट डेथ, क्योंकि बेटा इसकी एफिनिटी 250 टाइम्स ज्यादा है, 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। मतलब अगर हीमोग्लोबिन को चूज करना है मैं CO2 से जुड़ू, ऑक्सीजन से जुड़ू या CO से जुड़ू, तो वो दौड़ के CO से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके हाइपोक्सिया की। एक हाइपोक्सिया आपको माउंटेन्स पे जाने से भी होता है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना, दैट इज ऑल्टीट्यूड हाइपोक्सिया, बट इतना डिटेल नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ बेटा आपकी एनसीईआरटी में, पूरा मैंने एनसीईआरटी एक पेज पे, एक नहीं दो पेजेस पे उतारा है, दो पेजेस पे उतार दिया है ये, बाकी बेटा मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आप जरूर रखिए अपने पास, और ये मैं आपको माइक्रो नोट्स हैं, माइक्रो नोट्स भी टेलीग्राम पे मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसमें, वाटरमार्क वगैरह लगता है तो समय लगता है, और ये डीपीपी है, डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है मैं क्वेश्चन गिनने पे आऊंगी ना, मतलब ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि पॉसिबल है, कितने हैं, 212 क्वेश्चन है बेटा इस डीपीपी में, तो ये डीपीपी भी रहेगी आपके साथ, ये माइक्रो नोट्स रहेंगे और हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सो विद दिस वी नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर, अब सेशन को लाइक कर दो यार, बत्ती ने इतना परेशान किया हमें, फिर भी हम आए, कल बॉडी फ्लूइड्स करेंगे और शाम को 5 बजे स्पायरोमीटर दिखाऊंगी इस वाली क्लास में, मॉक टेस्ट में, फिर भी हम आए, हमने पूरा किया, कुछ भी हो जाए हम लगे रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। यस, सेशन को कर दो लाइक, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना यार बत्ती के लिए, राइट, कमेंट जरूर छोड़ के जाना। साथ ही में जैसा कि मैंने आपको बताया आज आखिरी दिन है बेटा 20% ऑफ का, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी से मन बना लिया है तो यार अभी ले लो, इससे कम में नहीं मिलेगा। साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, संडे को टेस्ट है, एनरोल जरूर करना, हर संडे टेस्ट होगा बिल्कुल नीट के पैटर्न पे, कोड आप क्या लगाएंगे कहीं भी कभी भी जाएं तो CLIVE लगाएंगे, ठीक है। अर्ली बर्ड ऑफर बेटा आरंभ बैच और लक्ष्य बैच में भी चल रहा है, किसी भी बैच में बेटा एनरोल कर सकते हो, देखो आरंभ बैच में तो मैं खुद हूं, ठीक है, आरंभ बैच में बेटा मैं खुद हूं, तो आप एनरोल करिए, किसी भी बैच में एनरोल करना है तो कोड क्या लगाइए, CLIVE लगाइए, राइट। और अनअकैडमी के सेंटर लखनऊ, मेरठ और पटना में भी आ चुके हैं, अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड ऑफर वहां भी चल रहा है, ठीक है बेटा। तो अपने मिलते हैं अब शाम को 5 बजे, ठीक है, 2 घंटे खाना खुना खाओ, रिवाइज करो, एंड यस आई विल सी यू, कमेंट जरूर छोड़ के जाना एंड सेशन को लाइक करना, थैंक यू सो मच बेटा। डे 2 कंप्लीटेड लिख के जाना, सब बच्चे लिख के जाएंगे जिन्होंने मेरे साथ डे 2 कंप्लीट किया है, ठीक है, निश्चय का डे 2 कंप्लीटेड, बाय बाय एवरीवन।